Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So, good afternoon all. I am Siddharth Jain. आपने ad देखा होगा. I'll just introduce myself. I scored All India rank 13. I am a 2016 batch IAS officer, and I have been allotted Madhya Pradesh cadre. So I'll just tell a brief about my background ताकि आप लोग और अच्छे से relate कर पाओ, और उसका थोड़ा सा आपका background जान लूँगा मैं ताकि मैं relate कर पाऊँगा अच्छे से. और फिर जब रिलेशन बिल्ड हो जाएगा तो अपने टॉक कंटिन्यू करेंगे आगे. तो आई हैव डन ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सेकेंड अटेम्प्ट में आई क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड आई इवन क्लियर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और दो तीन एग्जाम्स. तो हम लोग जब फंडे एक्सचेंज करेंगे तो आप दो तीन दूसरे एग्जाम्स के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं. इवन क्लियर्ड SBI PO एक्सेट्रा. सो बिफोर बिगनिंग द टॉक, जैसे टॉक का आपने टॉपिक देखा कि इट इज़ फ्रॉम प्रिपरेशन टिल परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन, तो हम लोग एक पूरा स्कोप, एक पूरा मैं स्पेक्ट्रम आपके साथ कवर करना चाहूँगा जिसमें तैयारी कैसे करी, क्यों करी, क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या क्या सक्सेस पॉइंट्स आए, उसके बाद तैयारी के बाद होता क्या है. बिकॉज ये चीज़ें हम लोगों को पता नहीं होती है. मेरे को भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एग्जामिनेशन के बाद जब सेलेक्ट होते हैं तो होता क्या है. तो अब पता चल गया है तो मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को भी वो चीज़ें पता चलेगी तो आप लोग मोटिवेट हो गए. एंड अभी आप लोग जानेंगे, अभी आप लोग इस महायज्ञ में कूद चुके हैं तो आप लोग जानेंगे कि इस यज्ञ में आप लोगों को मोटिवेशन अगर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे कम्प्लीट. तो मोटिवेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई विल ट्राई कि इस टॉक में मैं आपको मोटिवेशन, एक विजन, वो एनर्जी एंड एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को दे पाऊँ जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करे. तो एक ब्रीफ आइडिया मेरे को क्लास का अगर मिलेगा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो मेंस इस साल कोई लिख रहा है यहाँ पे मेंस? अच्छा है, कोई नहीं लिख रहा. नहीं, मैं बोलता नहीं तो जो इस साल लिख रहा है जाके पढ़ाई करो भी, यहाँ मत बैठो. तो इस साल कोई मेंस नहीं लिख रहा. यहाँ पे कितने लोग हैं जो प्रीलिम्स एक बार दे चुके हैं या मेंस एक बार लिख चुके हैं? मैंने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछ लिया. यहाँ पे कितने लोग हैं जो प्रीलिम्स दे चुके हैं, प्रीलिम्स दे चुके हैं, और कितने लोग हैं जो मेंस भी दे चुके हैं? दो लोगों ने मेंस दिया है. तुम घबरा क्यों रहे हो? तुमने मेंस दिया है, तुम आगे हो बाकियों से. अच्छा, तो क्लास का एक ये है कि सब लोगों ने प्रीलिम्स दी, बहुत लोगों ने प्रीलिम्स दिया हुआ, एटलीस्ट 70-80% बच्चों ने. तो एटलीस्ट आपको आइडिया होगा इस एग्जामिनेशन के बारे में. उस चीज में हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. हम लोग सीधे ये देखते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं, तैयारी के बाद होता क्या है. मेरा जब मैं इस टॉक के बारे में सोच रहा था कि कैसे मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट कि मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूंगा ताकि आपको रियलाइज हो कि अगर मेरा हो सकता है तो यहाँ पे कोई भी बच्चा बैठा है क्लास में उसका हो सकता है. और सेकेंडली मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम के बाद क्या होता है, आपकी सर्विस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आप क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सर्विस से. क्योंकि अगर आप जब आप एग्जाम लिखेंगे तो आपको सर्विसेज की अपनी ऑप्शंस भरने पड़ेंगे, कौन सी सर्विस लेनी चाहिए, कौन सी नहीं, कौन सी सर्विस लोगे तो आप सारी सर्विस ही, कौन सी पहले भरोगे, कौन सी दूसरी भरोगे, कौन सी तीसरी भरोगे. तो थोड़ा सा आप लोगों को अगर आइडिया होगा सर्विस के बारे में तो अपनी इच्छाओं के अनुसार आप उस चीज़ को अच्छे से भर सकते हो, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा. तो अपनी जर्नी के बारे में शुरू करता हूँ मैं. आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन द ईयर 2012. तो सन 2012 में मेरे को कुछ नहीं बताता एग्जामिनेशन के बारे में. मैं आपको ये चीज़ एकदम ट्रूली बता रहा हूँ, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग होंगे यहाँ पर जो अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको लगेगा यार मेरे को इतना आइडिया ही नहीं है, मेरे पास वाले को तो कितनी नॉलेज है, वो ऑलरेडी इतनी बुक्स पढ़ चुका है, उसकी ऑलरेडी ग्रास्प ओवर लैंग्वेज बहुत है, उसका ऑलरेडी नॉलेज का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बहुत बड़ा है मुझसे, मैं कैसे उससे कम्पीट करूँगा. बट जब मैंने 2012 में तैयारी शुरू करी थी मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सिवा, कुछ भी आइडिया नहीं था. एंड स्टिल आई कुड क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन सेकेंड अटेम्प्ट विद अ गुड रैंक. तो आई कैन अश्योर यू ऑल कि अभी जो आपका आज जो आपका लेवल है उस चीज़ से खुद को डीमोटिवेट बिल्कुल मत होने देना, बिकॉज ये लेवल ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगा इन द कमिंग ईयर्स, प्रोवाइडेड आप हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, इंटेलिजेंस, एक फोकस और राइट स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ें, जो कि आज के टाइम में बहुत आसान है क्योंकि आपको हर टॉपर की स्ट्रैटेजी आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती है.
तो यू कैन जस्ट यूट्यूब पे आप डाल सकते हैं और आपको दो साल की किसी की मेहनत का जो मंथन है वो आपको एक घंटे में मिल जाता है कि कैसे इसने तैयारी करी होगी. उन स्ट्रेटजीज से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगा एटलीस्ट. अच्छा, तो 2012 में मैंने तैयारी करी तो मैं एकदम जोर शोर में से तैयारी में लग गया. मैंने ग्रेजुएशन IIT रुड़की से किया है, तो रुड़की में इतना ना कोचिंग का कोई एटमॉस्फेयर है ना गाइडेंस का कोई एटमॉस्फेयर था उस टाइम. अब तो काफ़ी हो गया जब से मेरा सिलेक्शन हुआ ऐसा, वहाँ पे रुड़की में तैयारी करने लगे. तो मैं रुड़की से दिल्ली आया करता था वीकेंड पे, जस्ट एक माहौल देखने का कि इसमें पढ़ाई करी कैसे जाती है. तो बस मार्केट में ऐसे चक्कर काटता रहता था, लोगों को देखता था, अखबार खोल के पढ़ रहे हैं, कोई पोहा खा रहा है अखबार पढ़ रहा है, समोसे खा रहे हैं अखबार पढ़ रहे हैं, सब ज्ञान दे रहे हैं एक दूसरे को गलियों में. तो मैं देखता था कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे हो रहा है, जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ द एग्जामिनेशन कि कौन सी रूट पे ट्रैक करना है. आई एम जस्ट टेलिंग कि मेरा लेवल क्या था उस टाइम. मेरे पास कोई गाइडेंस के लिए नहीं था, आई हैड नो वन जिसने एग्जामिनेशन क्लियर करा हो और मैं उसको जानता हूँ. तो एवरीथिंग सब कुछ मेरे को अपने बेस पे बनाना पड़ रहा था, जो कि आप लोगों के साथ नहीं है. सो यू आर एट दिस स्टेज ऑल्सो यू आर मोर एडवांटेजेस देन मी. तो विद टाइम मैंने धीरे धीरे तैयारी शुरू करी. उस टाइम दो ऑप्शन लेने थे, तो दिल्ली के इतने चक्कर मार लिए थे कि आफ्टर सम टाइम एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं यार कुछ तो आइडिया लग गया है. तो उसी कॉन्फिडेंस से तैयारी एकदम जोर शोर से शुरू करी और UPSC ने सिलेबस बदल दिया. तो लगा यार वो इतनी मेहनत करी, दिल्ली गए, सिलेबस ही बदल दिया UPSC ने. पहले दो पेपर होते थे, दो ऑप्शनल होते थे, अब चार पेपर हो गए, एक ही ऑप्शन बचा. तो दो ऑप्शन में मैंने एक ज्योग्राफी सोचा था और एक सोचा था साइंस बैकग्राउंड से ऑप्शन उठा लूंगा. तो ज्योग्राफी की बुक्स भी खरीद ली थी और साइंस वाला सोचा था बाद में कर लेंगे. अब सिलेबस चेंज हो गया तो पूरी तैयारी एकदम आप ग्राउंड जीरो पे आ गए वापस. ऐसा आपको लगता है कि आप ग्राउंड जीरो पे आ गए, तो ऐसा ही मेरे को भी लगा था. एक्चुअली आप ग्राउंड जीरो पे नहीं आते हैं. आप देखेंगे कि आप जब UPSC की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जर्नी को बहुत इंजॉय करना. जो कहा जाता है ना कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल नेवर फेल, द पॉइंट इज इवन दो यू माइट फेल इन दिस ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ UPSC का, बट द फेलियर इन लाइफ इज नॉट देयर. व्हाई? बिकॉज़ एज अ पर्सन यू विल ग्रो अलॉट, यू विल एक्चुअली ग्रो अलॉट. एंड जो गीता में कहा गया है कि आप जो अपना फाइनल लक्ष्य है उसको मत सोचो, बस कर्म करते रहो. एंड दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू. जब आप किसी चीज़ को करते रहोगे यू विल एंजॉय द प्रोसेस. जब आप उस प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाओगे तो आपको एंड रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा. तो यही स्ट्रेटेजी बना के मैं चल रहा था. मैं उस प्रोसेस को इतना एंजॉय करने लगा था, UPSC की तैयारी करने वाले प्रोसेस को. मेरे को यहाँ के पोहे इतने अच्छे लगने लगे थे कि मेरे को मजा आने लगा था तैयारी करने में. और विद टाइम ये चीज़ अपने आप फ्रूटिफाई होती है, अपने आप हमारी पर्सनैलिटी में वो एनरिचमेंट आ जाता है. तो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन. उस टाइम आई हैड नो आइडिया फंडामेंटल राइट्स, DP, SP, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ आइडिया नहीं था. बट धीरे धीरे मैंने बिल्ड करना शुरू करा उस पर. जब धीरे धीरे मैंने उस पर बिल्ड करना शुरू करा तो उसके बाद एक ऐसा टाइम आया व्हेन आई थॉट कि अब मेरा इतना स्टैंडर्ड हो चुका है कि मैं प्रीलिम्स का पेपर उठा के अपने एटलीस्ट देख सकता हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ. ऑल दी थिंग्स आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जस्ट टू टेल यू कि आप अगर आपका कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा लो है, और ये होता है, बहुत लोगों का होता है यहाँ पे लो, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इस क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है अभी? अराउंड 300 मान लेते हैं. UPSC में 7-8 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 1000 बच्चों का चयन होता है उसमें. इंग्लिश हिंदी लोग उससे सब कंफर्टेबल है इंग्लिश और हिंदी से? पहले मैं इंग्लिश में स्पीच देता था, एक साल मध्य प्रदेश में जब से मैंने सर्व किया है तो मैं हिंदी में स्पीच देने लगा हूँ. तो 1 लाख बच्चे तकरीबन एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से 1000 बच्चों को सिलेक्शन होता है. तो आप रेशियो देख सकते हैं कि कैसा है ये. मतलब तकरीबन मैं मान सकता हूँ कि हर 1000 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा. 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, नॉट 1 लाख, 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं. तो अगर रेशियो देखें तो टोटल 1000 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा. इस क्लास में अगर 300 बच्चे भी हैं तो अगर मैं 3 ऐसे फ्लोर बना दूँ, उन 3 फ्लोर में को पूरा अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो उसमें से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा. ठीक है, अब इस एक बच्चे का सिलेक्शन होगा उन पूरे 1000 में से. अगर आपको IAS निकालना है, IPS निकालना है, स्टार्टिंग की ऑल इंडिया सर्विसेज निकालनी है, तो वो सिर्फ टॉप 200 बच्चों का होगा. मतलब इन 3 क्लासेस को मैं इनटू 5 कर दूँ, मतलब अगर मैं 15 ऐसी क्लासेस लगा लूँ उनमें से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होगा किसी ऑल इंडिया सर्विस में. अब थोड़ा और सोचते हैं इसको. ये तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं सब. यहाँ पे ऐसे इतने बच्चे होंगे, जब मैं अकेडमी में था तो देर आर अराउंड 50% ऑफ माई बैचमेट्स हु गेव अनदर अटेम्प्ट या हु आर ऑलरेडी सिलेक्टेड इन अ सर्विस और वो फिर से एग्जाम दे रहे थे.
मतलब उन्हें ऑलरेडी पता था कि इस पथ पे क्या कठिनाइयां हैं, वो उन कठिनाइयों को समझ चुके थे, अपने अंदर ढाल चुके थे कि कैसे हम उन कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़े और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ था। तो मैं मान लेता हूँ आप लोग फ्रेशर्स हैं, तो ऐसी 15 की जगह मैं डबल कर देता हूँ आपकी आपकी डिफिकल्टी, तो ऐसी 30 क्लासेस में से एक जने का सिलेक्शन होगा इनटू एन ऑल इंडिया सर्विस। तो ऑब्वियसली टफ है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस शायद लो हो सकता है शुरुआत में बिकॉज ऑफ दिस टफनेस। और इसीलिए मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ कि मेरा भी जो लेवल था बहुत नीचे था, ताकि आप लोग मुझसे रिलेट कर पाए। एनीवेज आगे चलते हैं, काफी लोग डर गए हैं यहाँ पर। एनीवेज आगे चलते हैं, एंड यू विल विद टाइम यू विल रियलाइज कि इफ योर स्ट्रेटजी इज राइट, जो हम डिस्कस करेंगे, एंड योर मोटिवेशन इज राइट, आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी इतनी। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड आई थॉट कि यार अब इतना लेवल हो गया है एक साल बाद कि मैं एग्जाम दे सकते, एटलीस्ट मॉक एग्जाम दे सकता हूँ किसी कोचिंग की, अगर मैंने मटेरियल उठाया मैं प्रीलिम्स का पेपर दे सकता हूँ। तो जो मैंने पहला एग्जाम दिया तो उसमें मेरे आए 200 में से मात्र 45 नंबर, जबकि एक डेढ़ साल की तैयारी हो गई थी मेरी। तो अब 200 में से 45 नंबर डेढ़ साल की तैयारी के बाद, और घर वाले रोज फोन करके पूछते हैं कि तैयारी कैसे हो रही है, कैसी चल रही है, और जब रिश्तेदारों को पता चल जाता है कि लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वो भी फोन करते हैं कि कैसी तैयारी चल रही है। तो अब आप उनको क्या बताएंगे कि तैयारी तो आपकी अच्छी चल रही है पर नंबर नहीं आ रहे हैं अच्छे। तो शुरुआत में आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कैसे लेवल एकदम से इंप्रूव होता है और कैसे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो मेरे आए 200 में से अराउंड 45 नंबर, अगला टेस्ट दिया फिर 50, अगला टेस्ट दिया 50, 55, 60। सी सेट पेपर 2 था, उसमें अच्छे नंबर आते थे काफ़ी मेरे, तो इस वजह से मैं पार हो जाता था, और यूपीएससी ने वो भी हटा दिया। तो फिर लगने लगा कि यार अब तो इसी पेपर में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज मैं अपना पेपर लेके बैठता था, उसको मैं एनालाइज करता था कि मैं कहाँ पे, सी फैक्चुअल स्ट्रेंथ मेरी बहुत अच्छी हो गई थी, एक डेढ़ साल मैंने बहुत मेहनत करी थी, काफ़ी मेहनत करी थी, एंड माई फैक्चुअल स्ट्रेंथ वॉज एक्चुअली वेरी गुड। तो मेरे को समझ नहीं आता था मैं कहाँ पे इंप्रूव करूँ। द पॉइंट इज टू, देर आर टू थिंग्स, एक आप सबसे पहले नॉलेज गेन कर लेंगे, एंड द सेकेंड थिंग इज आप उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे। नॉलेज गेनिंग वॉज गुड एज पर मी, कि सही नॉलेज गेन करी हुई है, उसका एप्लीकेशन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वाई आई एम नॉट गेटिंग अ गुड स्कोर। तो आई डिस्कस विद माई फ्रेंड्स, कई फोरम्स थे उन फोरम्स को पढ़ता था मैं, कई वीडियोस थी उनको पढ़ता था मैं कि क्या ऐसा हो सकता है जिससे मैं अपनी स्किल्स इंप्रूव करूं और मेरे नंबर अच्छे हैं, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो उसमें 3-4 स्किल्स मैं आपके साथ ऐसे डिस्कस कर लूंगा अभी। तो जब वो मेरे एक दोस्त था, तो उसकी और मेरे नॉलेज लेवल तो बिल्कुल बराबर था, हम लोग साथ तैयारी करते थे, पेपर देने जाते थे तब भी दोनों आसपास ही बैठते थे, चीटिंग नहीं करते थे पर आसपास बैठते थे। मेरे आते थे 45 नंबर, उसके आते थे 130, फिर अगले मेरे 50, उसके 125। तो मैंने उसको बुलाया एक बार, यार तू सुन इधर आ, ये चक्कर क्या है तेरे, मुझे डबल ट्रिपल नंबर आते हैं। तो उसने मेरे को एक छोटी सी ट्रिक बताई, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, एंड आई विल नॉट से कि माई ट्रिक विल अप्लाई ऑन यू और योर ट्रिक विल अप्लाई ऑन मी, बट द पॉइंट इज यू शुड नो द ट्रिक्स सो दैट यू कैन एक्चुअली एसेस कि आप उनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे जो आपके लिए सेट बैठेगी। उसने मेरे को यार सिंपल से बोला कि तू एक बात सोच, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है यूपीएससी में, -2/3, यही है ना, ये चेंज हो गई, 0.66 ही है ना, -0.66। एनीवे जितनी भी पॉजिटिव मार्किंग है उसका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो उसने मेरे को एक बात बोली कि यार मान ले तू बिल्कुल तैयारी करे बिना जाए, आंखें बंद करके जाए, अपने हाथ में एक बूंदी चूर का लड्डू जगह जाए, और जहां पे बूंदी गिरी वो तूने ऑप्शन मार दिया टिक। तो उसने कहा अगर तू आंख बंद करके भी पेपर देगा तो तेरा एक क्वेश्चन सही होगा, 3 क्वेश्चन गलत होंगे। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन सही, 3 क्वेश्चन गलत, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो मैंने कहा सही बात है यार। तो उसने कहा कैलकुलेट कर, एक क्वेश्चन सही मतलब तेरा +2 और 3 क्वेश्चन गलत मतलब तेरा -2, -2/3 × 3। तो उसने कहा 0। तो उसने कहा यार अगर तू आंख बंद करके भी पेपर दे रहा है तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तेरे को ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, और तेरा ऑप्शन तो मैथमेटिक्स है, तेरे को तो ये समझ आना चाहिए था। मैंने कहा यार सही बात है। तो फिर उसने मेरे को समझाया कि अगर हम थोड़ा सा भी लॉजिक अप्लाई करेंगे, अगर हम थोड़ी सी भी कैलकुलेटिव गेसिंग करेंगे तो हमारा स्कोर 0 से ऊपर आ जाएगा। वाई? बिकॉज जब टोटली रैंडम था देन योर स्कोर वो 0, तो अगर आप थोड़ा भी सोच के एक दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देंगे तो यू विल बी ग्रेटर देन 0। तो अब ये स्ट्रेटजी मैं अपने पेपर्स में लगाने लगा। पहले मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, 30 क्वेश्चन करता था, 40 करता था, जो मैं श्योर शॉट था।
अब मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगा, 60 करने लगा, 70 करने लगा, आखिरी में तो एक ऐसा टाइम आ गया था कि मेरे को आया या ना आया पेपर, मैं पूरा 100 करके आता था। और उससे मैंने देखा कि एक्चुअली माय स्कोर स्टार्टेड इंक्रीजिंग अ लॉट। मेरा पहले 70 हुआ, 80 हुआ, 100 हुआ, फिर मेरा 125, 130 तक स्कोर जाने लगा। इनफैक्ट आई हैव इवन गिवन पेपर जिसमें मेरा स्कोर 155, 160 तक जाने लगा था इन जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स का। अ स्मॉल ट्रिक, एक स्मॉल फ्लॉ मैं इसको मान सकता हूँ पेपर सेट करने में, अगर आपने वो फ्लॉ पकड़ लिया छोटा सा, तो आपका स्कोर कितना ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गया। ऐसी दो तीन ट्रिक्स और हैं, आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे हाउ टू क्रैक एमसीक्यूज विदाउट इवन नोइंग देम, तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ट्रिक्स। बट आई विल सजेस्ट कि अब ये क्या करें आप लोग, आप लोग टेस्ट दें जब आप तैयारी करेंगे एक स्टैंडर्ड बनाने के बाद, और उस टेस्ट को एनालाइज करें एंड ट्राई टू सी कि आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, दैट विल बेनिफिट यू आफ्टर डिस्कशन। बट जैसे मैंने आपको बताया ये एक महायज्ञ है, तो आपको आहूतियाँ बहुत देनी पड़ेंगी, एक टेस्ट से कुछ नहीं होगा। आप 10 टेस्ट दें, 15 टेस्ट दें, 20 टेस्ट दें, विद टाइम यू विल स्टार्ट सीइंग कि अच्छा मैं ये गलती कर रहा हूँ, मैं ऐसे खुद को इम्प्रूव करूंगा, विद टाइम आपको पता चलेगा। विदाउट हार्ड वर्क नहीं आ पाएगा, विदाउट हार्ड वर्क नहीं आ पाएगा। एंड ऑब्वियसली स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, बट अगर हार्ड वर्क ही नहीं है तो तुम स्मार्टनेस लाओगे कैसे। तो इस तरह से मेरे प्रीलिम्स पे मैंने थोड़ा सा फोकस करा, जस्ट ट्राइंग टू टेल यू माय जर्नी। प्रीलिम्स में अच्छे नंबर आए तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट तो हो ही गया। अब सोचा कि अब ऐसा पड़ाव आ गया है जिंदगी का कि मेंस का पेपर उठाया जाए, तो मेंस का पहला पेपर उठाया, टेस्ट दिया, कितने नंबर आए, 40 नंबर फिर से। तो फिर यहाँ पे वही दुविधा, फिर पेपर दिया 40, फिर पेपर दिया 45, 50, नंबर बढ़ ही नहीं रहे, और मेरे दोस्त के नंबर आ रहे हैं 100, 110, 120। मैंने फिर उसको बुलाया, यार तू इधर आ यार, नॉलेज लेवल हमारा सेम, तेरे नंबर मुझसे हमेशा ट्रिपल क्यों आते हैं। तो उसने मेरे को फिर समझाया, इस बार उसने मेरे को ये समझाया, यार तू सोचता है कि हर क्वेश्चन को तू बेस्ट टू बेस्ट लिखे, तू सोचता है कि जो तू क्वेश्चन करे उसमें तू 7 नंबर लिया है, 6 नंबर लिया है, तेरे कभी आते हैं। मैंने कहा नहीं आते। तो उसने कहा इससे अच्छा तू ये क्यों नहीं कर लेता कि हर क्वेश्चन में एक एवरेज से गुड आंसर के बीच का आंसर लिखे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने बढ़ा दे इसमें। तो उसने कहा यार अगर मेरे 4 नंबर भी आते हैं किसी क्वेश्चन में और मैं 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे 80 नंबर बन जाते हैं। वो उसने बोला, मेरे 80 नंबर नहीं बन रहे थे, तो वो उसने बोला। फिर उसने कहा अगर मैं इनमें से 4-5 क्वेश्चन भी अच्छे कर लेता हूँ, मेरे 6 नंबर आ जाते हैं उसमें, तो मेरे 90 स्कोर हो जाता है। और मैं कहा मेरा अगर 2-3 इसमें ग्राफ और डायग्राम इंक्लूड कर लेता हूँ तो मेरे 100 नंबर तक पहुँच जाते हैं। तू क्या करता है, तू बस कम क्वेश्चन करता है, उसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता है। एक ये छोटी सी टिप मिली मेरे को, मैंने ये चीज़ अपने पेपर में इनकॉर्पोरेट करी और मैंने देखा विद टाइम कैसे ग्रेजुअली मेरा स्कोर बहुत इंप्रूव होने लगा। ये दो टिप्स मेरे को उसने मेरे को मेंस के लिए ये टिप बताई। अब सिमिलरली ये चीज़ आप लोग अपनी तैयारी में ऑब्जर्व करेंगे जब आप लोग खुद एग्जाम देने लग जाएंगे, जब आप लोग खुद प्रिपरेशन के एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे व्हेन यू विल स्टार्ट इवेल्यूएटिंग योरसेल्फ। देखिए एट द एंड ऑफ द डे हाउ आर यू क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, समवन इज इवेल्यूएटिंग यू। एमसीक्यू में एक मशीन आपको इवेल्यूएट कर रही है, आपका पेपर चेक होता है ओएमआर शीट। मेंस में एक पर्सन आपको इवेल्यूएट कर रहा है जिसकी ओपिनियंस सब्जेक्टिविटी ला सकती है आपके मार्क्स में। इंटरव्यू में आपको एक पैनल आपको इवेल्यूएट कर रहा है। तो अगर हर स्टेज पे इवेल्यूएशन हो रहा है तो व्हाई नॉट इनकॉर्पोरेट द टेक्निक ऑफ इवेल्यूएशन इन योर ओन प्रिपरेशन, व्हाई नॉट कंटिन्यूअसली इवेल्यूएट योरसेल्फ। मैं आपको ये चीज गारंटी से दे सकता हूं, ये कह सकता हूं ये चीज आफ्टर माय एक्सपीरियंस कि किताबें पढ़ते रहो कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि आप नॉलेज कितनी भी गेन कर लो एट द एंड ऑफ द डे आपको उस नॉलेज को रिप्रोड्यूस करना है कॉपी के अंदर और आपका इवेल्यूएशन होगा। तो आप ज्यादा बुक्स मत इकट्ठी करो, आप बस एक या दो बुक उठा लो उस टॉपिक की, उसको पढ़ लो अच्छे से, उसका गुरु मंत्र समझ लो और उसके बाद उस गुरु मंत्र को अप्लाई करो। राइट एज मेनी आंसर एज यू कैन, गिव एज मेनी टेस्ट एज यू कैन, एज मेनी टेस्ट एज यू कैन। आपकी तैयारी का 50% टाइम शुड बी गिवन ऑन टेस्ट, एटलीस्ट 40%। एंड टेस्ट में मैं कह रहा हूँ जो आप आंसर राइटिंग अगर घर पे भी करते हो दैट इज ऑल्सो अ टेस्ट। सो एटलीस्ट 40-50% ऑफ द टाइम शुड गो देयर। एक छोटा सा आपको मैं एग्जाम्पल और देता हूँ, आपको मैं एक किताब पकड़ा दूँ और बोलूँ कि इसको रट के मेरे को सुनाना,
सुना नहीं मतलब रट के मेरे को जब मैं पूछूंगा तो बताना. तो हो सकता है कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपके दिमाग में ना जाए. उसी बुक से मैं 100 MCQ बनाकर आपको दे दूं और एक टेस्ट वाले एनवायरनमेंट में आपको बिठा दूं और बोलूं कि इसको सॉल्व करो, और बाद में जब मैं आपसे वो MCQ डिस्कस करूं, नेक्स्ट डे दो बच्चे हैं, नेक्स्ट डे अगर मैं सेकेंड वाले से पूछूंगा कि वॉट इज योर रिटेंटिव पावर, कितनी चीज़ें आपको याद है, द वन हु इज गिवन टेस्ट उसको वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगी. भाई क्योंकि आपने बहुत फोकस में, बहुत फोकस्ड और कंसंट्रेशन के साथ आपने एक एनवायरनमेंट में पढ़ाई करी. जब आप टेस्ट दे रहे हैं आप सिर्फ खुद को एवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, आपको चीज़ें याद भी हो रही है. सो वॉट यू एक्चुअली डू इन आंसर राइटिंग और एवेल्युएटिंग योर सेल्फ, यू आर ऑल्सो लर्निंग थिंग्स एंड दैट लर्निंग एक्चुअली हेल्प्स यू अलॉट. तो इन दिस प्रिपरेशन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि बुक्स आप ज़्यादा मत इकट्ठी करना. आप जाएंगे मार्केट में तो लोग आपको पकड़ लेंगे, बोलेंगे ये किताब पढ़, तो आप बोलेंगे नहीं पढ़ूंगा मैं ये किताब. वो अगर नहीं तो यही किताब पढ़, ये सबसे अच्छी किताब है, तो आप उसको प्यार से बताना कि भाई तू ये किताब पढ़ ले, मैं अपनी किताब पढ़ूंगा और मैं टेस्ट दूंगा, और उसको पढ़ने दो दो किताब है, तीन किताबें. वो अगर आपके आमने सामने बैठेगा उसमें आपसे ज़्यादा ज्ञान होगा, मैं ये भी चीज़ कह सकता हूँ. ही वुड नो मोर थिंग्स देन यू, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट. व्हाई? बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग दैट थिंग जो चीज आपको इवेल्यूएट करेगी एट द एंड ऑफ द डे, आंसर राइटिंग. अब आंसर राइटिंग में हम थोड़ा सा और चलते हैं, उसके बाद मैं बीच में क्या होता है सिलेक्शन के बाद वो आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि और सर्विस कैसी होती है ये, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप कहाँ वेंचर कर रहे हैं. क्योंकि जैसे ही मेरा रिजल्ट आया मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया क्या हो गया एकदम से. मैंने देखा यार तो मेरी फॉरेस्ट में 13 रैंक आई थी, तो इसका जैसे ही रिजल्ट आया उस टाइम हम लोग कैसा फोरम आईएएस पे लग जाते हैं, अभी आप लोग भी लग जाएंगे थोड़ा टाइम बाद. फोरम आईएएस पे एक थ्रेड्स होते हैं तो उसमें रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, तो जिन लोगों के मजे लेने होते हैं और टाइम पास करना होता है तो लिख देंगे रिजल्ट आने वाला है, मेरे को पता चल गया, मेरे पापा ने बताया रिजल्ट आ चुका है, बस रिजल्ट कभी भी बाहर आ सकता है, मेरे को अपना रोल नंबर बताओ मैं रिजल्ट बता दूंगा आपको अपना. ये सब चलता रहता है पूरे टाइम, तो मैं भी मजे ले रहा था लोगों के, मैं भी मेरे को पता है रिजल्ट ये है आ गया है वो आ गया, सब लिखे जा रहा था उस पर, सब लिखते हैं सब मजे लेते हैं उसमें. बट एकदम सडनली रिजल्ट आ गया, तो मैंने अपना जैसे ही PDF खोला तो मैंने सोचा था कि नीचे से देखूंगा रिजल्ट, ऊपर से नहीं देखूंगा. क्यों? क्योंकि ऊपर से जब देखोगे तो पहले पेज पे नहीं आया तो आपको दुख होगा कि रैंक नीचे, दूसरे पे नहीं आया तो दुख होगा, पर जब आप नीचे से देखोगे तो जब लास्ट पेज पे रिजल्ट नहीं आपका तो आपको दुख भी होगा पर खुशी भी होगी, क्या पता ऊपर मिल रहा है. तो मैं नीचे से देखने, मैं सोचा नीचे से देखूंगा रिजल्ट अपना. तो जब मैंने रिजल्ट देखना शुरू करा तो खुशी तो हो रही थी आधे PDF तक, पर जब आधे PDF तक नाम नहीं आया तो टेंशन होना शुरू हो गया. क्योंकि मैं रिजल्ट देख रहा था, यहाँ मेरी मम्मी खड़ी थी, दादी खड़ी थी और बहन खड़ी थी, ठीक है, तो मेरी दादी ने ऐसे पकड़ा हुआ था मेरे को शुरुआत में, जब आधे तक नहीं आया तो थोड़ा और कस लिया. तो मेरे को लगा आज तो मेरी वाट लगने वाली है, पर मैंने जब देखा तो एकदम लास्ट पेज तक पहुंच गया, जब सांसें अटक गई तो देखा 13th पे नाम है. अब इसमें एक और टेंशन हो गया, ये टेंशन हुआ कि फॉरेस्ट सर्विस में भी मेरे 13th रैंक आई थी, तो घर वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इसकी 13th रैंक तो आ ही नहीं सकती, तो उन्हें को लगा कि इसने फॉरेस्ट का PDF खोल लिया है, इसने गलत रिजल्ट का PDF खोल लिया. पर ऑब्वियसली फॉरेस्ट में कम रैंक होती है, इसमें ज़्यादा रिजल्ट आता है, तो पता ही था कि UPSC का रिजल्ट है. तो एकदम से एक सडन आपको आउटबर्स्ट ऑफ हैप्पीनेस होती है, मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ. जब आप 3-4 साल तैयारी करेंगे और फाइनली आप उस लिस्ट में अपना नाम देखेंगे आपको बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा, बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा. और फेसबुक जब आप खोलेंगे आपको लगेगा यार मैं वही लड़का हूँ जिसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई एक्सेप्ट नहीं करता था. आज मेरी फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट की लिमिट क्रॉस हो गई है, इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ चुकी है. यू विल एक्चुअली यू वॉन्ट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि हो क्या रहा है, मतलब इतनी सारी हैप्पीनेस आपके पास आ जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है. एंड UPSC आपकी यही सब ऑब्जर्वेशनल स्किल्स टेस्ट करता है. 2016 के पेपर में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था एथिक्स का, व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू. आप प्रीलिम्स देखेंगे तो प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन है कि यार RFID जो टैग होता है, एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन था मेरे साल जो दिया था मैंने कि इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट समथिंग अप टू फ्यू सेंटीमीटर्स. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि UPSC आपकी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स देखता रहता है. इफ आई सी द प्रीलिम्स पेपर में देखता हूँ कि उसमें इतनी चीज़ें हैं जो कि आपकी बुक से कभी भी आप सीख ही नहीं सकते, वो आपकी सिर्फ ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को टेस्ट कर रहा है, सिर्फ ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को. कि अच्छा GST किन किन चीज़ों में 0% GST है. अब यार ये चीज़ आप रट नहीं सकते, पर ये चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि अच्छा मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ खरीद रहा हूँ,
मैं बाहर से ये चीज खरीद रहा हूँ, इस पर कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, कितना होना चाहिए, छोटी मोटी चीजें अगर आप ये चीज ऑब्जर्व करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि यू विल बी अ वेरी सुटेबल कैंडिडेट फॉर यूपीएससी, वेरी सुटेबल कैंडिडेट। मैं ऐसी प्लेन्स का पेपर देखा था, काफी टफ पेपर बनाते हैं वो, प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत बहुत कम होती है, और क्यों होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो माय पॉइंट इज कि सर्विस में होता क्या है, क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं था, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, आई टेल यू कि होता क्या। मैं आपको डीमिस्टिफाई करना चाहूंगा क्या होता, तो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होते ही फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं, हम चलते हैं अच्छे पार्ट पे कि होता क्या है एक्चुअली। तो सिलेक्शन होते ही आप जाते हैं फाउंडेशन कोर्स में, आफ्टर अ मंथ और सो फाउंडेशन कोर्स होता है इन मसूरी, सो इट इज़ अ फाउंडेशन कोर्स। सो बाय द वर्ड इटसेल्फ इट टेल्स यू कि एक फाउंडेशन बना रहा है, ठीक है। एंड बिकॉज फाउंडेशन ऑफ ऑल द सर्विसेज, सिर्फ आईएएस नहीं, सारी सर्विसेज सिमिलर होती है, इसलिए फाउंडेशन कोर्स सारी सर्विसेज का एक साथ होता है। तो आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईआरएस हो गए, फॉरेन सर्विस वाले हो गए, सबका फाउंडेशन कोर्स एक साथ होता है मसूरी में। तो वहां पे आप बेसिक वैल्यूज समझते हो कि क्या होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की बेसिक वैल्यूज, वो आपका होता है 3 महीने का। मैं अगस्त में गया था, 9 दिसंबर को मेरा फाउंडेशन कोर्स खत्म हो गया था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अगस्त के एंड में गया था, दिसंबर के स्टार्टिंग में गया था, तो बीच के 3 महीने बचे, 3 या 4 महीने बचे। अब ये होता है आपका फाउंडेशन कोर्स। आप देखेंगे कि तैयारी के बीच में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा अपने हॉबीज को परस्यू करने का। कोई यहाँ पे गिटार बजाना पसंद करता होगा, कोई लिखना पसंद करता होगा, कोई गाना पसंद करता होगा, कोई सोना पसंद करता होगा। कई लोग होते हैं सोना पसंद करते हैं, उनसे बोलो हॉबी क्या है, मेरी हॉबी है सोना, मैं तो लेट जाता हूँ जब मेरा मन करता है। तो आपके अलग अलग हॉबीज होती हैं, पर आपको परस्यू करने का टाइम नहीं मिलेगा। बट जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, आई टेल यू, आपको इतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। व्हेन यू गो टू मसूरी, वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी है सबके लिए, मतलब जिनका सिलेक्शन होता है, दैट यू कैन एक्चुअली इन्जॉय वॉट एवर यू वॉन्ट, मतलब जो भी फील्ड में आप परस्यू करना चाहते हो आगे यू कैन डू इट। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चूज करनी होती है जो आप कर सकते हैं, और वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज इतनी अच्छी अच्छी होती है। जिस बंदे ने सिर्फ अपने दोस्त की शादी में नाचा होगा आज तक बारात में, वो स्टेज पर परफॉर्म करता है। तो आपको हर किसी को अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपनी स्किल्स को, हॉबीज को परस्यू करने की। तो अगर आपको लगता है कि यार आपके ये एक दो साल थोड़े डल होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू से कि डल मत बनाओ, कोशिश करना कि आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई करो। बट इवन इफ इट इज डल, इट विल बी वर्थ इट। व्हाई इट विल बी वर्थ इट, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। वन ऑफ द रीजन इज दिस सिंपली कि जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, वैसे यू विल गेट सो मेनी गुड अपॉर्चुनिटीज, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको कि यू विल बी एक्चुअली, जो भी आपने 2 साल मिस किया है वो 2 साल आप पूरे अकम्पलिश, उन 2 साल का पूरा एंजॉयमेंट आप ले सकते हो आराम से। तो आपका फाउंडेशन कोर्स हुआ 9 दिसंबर को खत्म हो गया, सारी सर्विसेज का एक साथ फाउंडेशन हुआ, मोटा मोटा हम ऐसा मान लेते हैं। उसके बाद हर सर्विस का फेज शुरू होता है, नाउ प्रॉपर सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग शुरू होती है सबकी। तो दी आईएएस रिमेन्स इन मसूरी, आईपीएस हैदराबाद जाते हैं, सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं जहां उनका ट्रेनिंग सेंटर होता है वहां चले जाती हैं, ट्रेनिंग एकेडमीज होती है। हम लोग फेज वन में रुक जाते हैं मसूरी, और मसूरी में होता है बहुत प्यारा वेदर उस टाइम, दिसंबर हो रहे होते हैं, मैंने स्नोफॉल देखा मसूरी में अपनी एकेडमी में, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एकेडमी, ब्यूटीफुल एकेडमी। आप लोगों को जाते ही मज़ा आ जाएगा कि यार कहाँ, मैं राजेंद्र नगर में एक रूम में 5 लड़के रहते थे एक साथ, और ना कोई नहाता था ना कुछ, और इतनी प्यारी एकेडमी, वो बहुत अच्छा लगेगा जाते ही। तो अब वहाँ पे जब आपका फेज वन शुरू होता है, मैं आईएएस की ट्रेनिंग पे फोकस करूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया दूँ, इसका रेलेवेंस आपकी तैयारी से नहीं होगा व्हेन यू थिंक कॉन्शियसली, बट सबकॉन्शियसली आपको ये चीज़ मोटिवेट करेगी। एंड सबकॉन्शियसली एट द टाइम ऑफ डिजेक्शन, जब आपको लग रहा होगा यार नहीं हो पा रहा है अब, उस टाइम आपको ये सब चीज़ें जब याद आएगी कि जो मैं परस्यू कर रहा हूँ मेरे को क्या क्या वैरायटी ऑफ चीज़ें मेरी लाइफ में दे देगी, क्या क्या एक्सपोजर मेरे को दे देगी, तब यू विल फील मोटिवेटेड बाय दिस। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो तैयारी में अटका हुआ मैं 3-4 साल से। तो अब आप मसूरी में फेज़ वन आपकी तैयारी शुरू, फेज़ वन आपका शुरू हो गया। तो उसके बाद आपका एक होता है भारत दर्शन, सुना होगा आप लोगों ने भारत दर्शन। तो भारत दर्शन में क्या होता है, पूरे 180 आईएएस थे हम लोग, सबको 20-20 के ग्रुप में बांट दिया, सबका अलग अलग एक टूर प्लान बनाया जाता है कि आप यहाँ से यहाँ घूमेंगे, आप यहाँ से यहाँ घूमेंगे, आप यहाँ से यहाँ घूमेंगे, यहाँ से यहाँ घूमेंगे, 20 के ग्रुप में। तो आप पूरे इंडिया को ट्रैवल करते हैं उसमें, ऐसा एक्सपोजर जो आपको शायद कभी खुद की कमाई से नहीं मिल सकता या खुद के जॉब में नहीं मिल सकता, बिकॉज ना आपका टाइम होगा ना पैसे होंगे, है ना। तो
आप वो चीज सर्विस में एंटर करने के बाद आपको गवर्नमेंट देती है. वाई? बिकॉज आपको इतना एक्सपोजर मिल रहा है कि वेन यू सर्व इन योर कैडर यू कैन एक्चुअली गेट द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड यू कैन अप्लाई फॉर योर ओन पब्लिक. तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है. तो आप भारत दर्शन करते हैं पूरा एफसी के दौरान. फाउंडेशन कोर्स को एफसी बोलते हैं. तो फाउंडेशन कोर्स के दौरान आपको हिमालयन ट्रैक पे लेके जाया जाता है. तो 10 दिन तक आप ट्रैक करते हो. देखो ट्रैकिंग का पर्पज़ ये नहीं है कि आप फोटो खिंचवाओ. ट्रैकिंग का पर्पज़ उनका ये होता है कि आपकी फिजिकल एंड्योरेंस बढ़े, मेंटल एंड्योरेंस बढ़े, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े. यू शुड नो हाउ टू सर्वाइव इवन इन द टफेस्ट कंडीशंस. अब मान लीजिए यहाँ पे अगर उत्तराखंड फ्लड्स हो गए तो आपको क्या लगता है कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो क्या सो पाते होंगे? उनको पूरे टाइम इतनी एंड्योरेंस चाहिए अपनी कि ही हैज़ टू फाइट फॉर एवरीथिंग. ही हैज़ टू फाइट फॉर हिज पीपल. ही कैन नॉट स्लीप एट दैट टाइम. या फिर जो भी केरला फ्लड्स हो गए या फिर मैं जिस स्टेट में सर्व कर रहा था जो हमारे को प्रॉब्लम्स आती थी, ऐसा नहीं था कि हम लोग उन प्रॉब्लम्स में ये सोच सकते थे कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा. बिकॉज एंड्योरेंस आपका बिल्ड होना ही चाहिए. एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे एक दिन मसूरी में इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट यू हैव टू गेट अप एट टाइम. अगर आप एक मिनट भी लेट हुए आपको 6 बजे पहुँचना होता है शेव करके सुबह सुबह. आप एक मिनट भी लेट हुए तो आपको पीनल लग जाती है. पीनल बोलते हैं, पेनल्टी लग जाती है आप पे कुछ कुछ. तो एक बार मेरे को बुखार आ गया था तो मैं नहीं जा पाया. मतलब मैंने बहाना मारा था बुखार का, नींद आ रही थी बहुत तेज तो मैं नहीं जा पाया. तो मेरे को उन्होंने जो हमारे डिसिप्लिनरी इंचार्ज मिलता है एक मसूरी में होता है तो आपको बुलाता है जब भी आपने छोटी सी चीज़ मिस करी आपका मेल आ जाएगा कि व्हाई डिड यू नॉट गो देयर. मैम जस्ट टेलिंग यू द लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड दैट डिसिप्लिन यू वुड ऑल्सो नीड टू इंक्लूड इन योर प्रिपरेशन. एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि कैसे एग्जामिनेशन का पैटर्न वो डिसिप्लिन आपके अंदर से चेक करता है और कैसे आपको उसी डिसिप्लिन में आंसर लिखने हैं ताकि द इवेल्युएटर नोज कि यू कैन एक्चुअली बी ट्रेन इन दैट अकेडमी. यू आर एक्चुअली एलिजिबल टू बी ट्रेन इन दैट अकेडमी. तो फॉर सम रीजन मैं एक दिन नहीं जा पाया. तो ही कॉल्ड मी. मैंने कहा कि मैम बुखार था नहीं जा पाया. बाहर स्नोफॉल हो रही थी उस दिन. तो स्नोफॉल हो रही थी मैं नहीं जा पाया. बारिश है स्नोफॉल हो रही थी मतलब बीच का जो हेल वगैरह. तो शी सेड कि मान लो यार तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ गया और तुम्हें बुखार आ रहा होगा उस टाइम तो नो वन विल टेक दिस एक्सक्यूज. दिस इज योर मिस्टेक कि आपने अपनी बॉडी को ऐसा नहीं बनाया कि वो चीज़ वो इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाई. इट इज़ योर मिस्टेक कि आप बीमार पड़े हो. दिस इज वॉट शी सेड. सो यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ कमिटमेंट रिक्वायर्ड इन दिस एग्जामिनेशन. इट इज़ योर मिस्टेक कि आप एग्जामिनेशन के दिन आपका ब्लैकआउट हो गया, आपको कुछ याद नहीं आया. वाई? बिकॉज आपने खुद की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी नहीं बनाई. आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा था तो मेरी जो बेंच थी वो बहुत हिल रही थी. मतलब मैं आंसर लिख ही नहीं पा रहा था. मैं लिख इसलिए नहीं पा रहा था बिकॉज मेरी बेंच इतनी हिल रही थी कि जैसे ही मैं लिखूं वो हिलनी शुरू हो जाती थी. तो राइटिंग बिगड़ गई, स्पीड बिगड़ गई, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ. एंड आई वॉज एक्चुअली फीलिंग वेरी डिप्रेस. क्योंकि 2-3 साल की तैयारी के बाद अगर आप देखोगे कि एक ऐसा फैक्टर जो आपके हाथ के बाहर है वो फैक्टर आपको रोक दे एग्जाम देने में तो आपको बहुत दुख होगा. तो अब मेरी बेंच हिले जा रही है, मैं बहुत परेशान हो गया. आई एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग इन द एग्जामिनेशन. आपके होगा मतलब आपको इतना इमोशनल हो जाओगे आप कि यार इतनी तैयारी करने के बाद, इतने टेस्ट देने के बाद और इतने टिप्स लेने के बाद अपने दोस्त से मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ. मैं लिख नहीं पा रहा हूँ. क्लियर तो दूर की बात है. मैं एटलीस्ट मेरे को मौका तो मिले अपने थॉट्स प्रेजेंट करने का. उसके बाद भले ही इवैल्यूएटर को पसंद आए पर मैं नहीं लिख पा रहा था. आई एम जस्ट सेइंग कि मेंटल स्ट्रेंथ कितनी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आई यूज टू मेडिटेट डेली. मैं डेली मेडिटेशन करता था फॉर एन आवर डेली. वाई? बिकॉज मैंने सोचा था कि कुछ भी ऐसी परिस्थिति आ गई जो मेरे को, जो मेरी मेंटल स्टेट को खराब करने में, खराब करने लगे वाइल आई गिव द एग्जामिनेशन, आई शुड बी स्ट्रांग एनफ कि मैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं दूँ और मैं अपना एग्जाम करता रहूँ. रोज रात में मैं अपनी टेबल जो होती थी थोड़ा थोड़ा हिला के उसमें प्रैक्टिस करता था. एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. मैं एक्चुअली हिलती हुई टेबल पर प्रैक्टिस करता था रोज रात में, एक घंटा डेढ़ घंटा रोज रात में, ताकि अगर बाई चांस इस बार भी सेम इशू आ जाए तो मेरे को वो चीज़ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. एवरीथिंग इज इन योर ब्रेन. अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे तो यू विल बी एबल टू क्रॉस एवरीथिंग. सैनजू है जिसने आर्ट ऑफ वॉर पे बुक लिखी थी. तो व्हाट ही डिड वाज जब उसके सोल्जर्स लड़ाई करने जाते थे तो उसके सोल्जर जाते थे मान लो नाव वहाँ से लड़ाई करने गए तो इतना चलाक आदमी था वो उनकी नाव तोड़ देता था कि वो वापस आ ही नहीं सकते. तो उनके दिमाग में वापस आने का ऑप्शन ही नहीं होता था. दे आइदर हैव टू डिस्ट्रॉय द एनिमी और डाई बट दे कैन नॉट कम बैक. एंड जस्ट टेलिंग कि एक माइंड को अगर आप ट्वीक कर सको, उसकी स्ट्रेंथ आप बढ़ा सको तो आप लोग कितना आगे जा सकते हो इन लाइफ एंड ऑल्सो इन दिस एग्जामिनेशन. तो हमारा भारत दर्शन होता है. भारत दर्शन हम लोग पूरा क्लियर करते हैं एंड उसके बाद हमारी क्लासेज लगती है. क्लासेज में आपका लॉ पढ़ाया जाता है.
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल टेल यू कि कैसे केसेस आते हैं व्हाइल यू सर्व एज एन आईएएस ऑफिसर. और उसके बाद आपकी अलग अलग क्लासेस होती हैं और बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं और आपको सब में पार्टिसिपेट करना पड़ता है. तो एंड दिस एक्चुअली बिल्ड्स योर पर्सनैलिटी. आप देखेंगे कि एक दो साल में आपकी पर्सनैलिटी इतनी चेंज हो जाएगी कि यू विल स्टार्ट हैविंग अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. भले आपकी इंग्लिश अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो या नहीं हो, आपकी लैंग्वेज अच्छी हो या नहीं हो, बट आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपकी पर्सनैलिटी में. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप देखेंगे पूरे पेपर में कॉन्फिडेंस का खेल है. इंटरव्यू में भी अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो गया तो दे विल नो इट. मेंस में आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया तो दे विल नो इट. आप ऐसे वर्ड यूज करने लगोगे, बट इफ, लंबे लंबे सेंटेंस लिखने लग जाओगे, ब्रेविटी से आंसर नहीं लिख पाओगे. वाई? बिकॉज कॉन्फिडेंस आपका लो है. इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन आए भी ना तब भी आप लिख दो पेज. आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट पे क्वेश्चन आया था जब मैं अटेम्प्ट लिख रहा था, तो मेरे को सरप्राइज नहीं था. मैंने पहली बार वो एक्ट सुना था और सबसे अच्छा जो मैंने आंसर लिखा पूरे पेपर में वो था व्हाट इज आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट. बिकॉज यू हैव दैट कॉन्फिडेंस. आप सोच सकते हो कि यार अगर कोई एक्ट है आर्बिट्रेशन पे तो यार बाय कॉमन सेंस उसमें क्या क्या होगा, उसमें उसके जो लेजिस्लेचर्स होंगे उन्होंने उस एक्ट में क्या डाला होगा. एंड इफ यू कैन थिंक बाय कॉमन सेंस, इफ यू हैव गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. आपने 30 नंबर का छोड़ा, यू आर गॉन. एक एक नंबर पे आपकी 50-50 रैंक फिसल जाती है. 30 नंबर पे आप सोच ही सकते हो. तो हमारा ये लॉ पढ़ाते हैं, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, एवरीथिंग दैट शुड बी देयर इन एन ऑफिसर. आपको सब कुछ ट्रेन किया जाता है वहाँ पर. आफ्टर दैट जब आपकी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, देन यू आर सेंट टू. सबको समझ आ रहा है ना? एवरीवन इज विद मी ऑन दिस. ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये टॉपिक पे क्यों बात कर रहा हूँ मैं. इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इस बार मेंस नहीं दे रहे. इस बार मेंस दे रहे होते तो आई वुड हैव टोल्ड यू एग्जैक्टली टू द पॉइंट, बट यू शुड नो द एंटायर थिंग. आप कर क्या रहे हो, तैयारी क्या कर रहे हो, आपके साथ होने क्या वाला है, आप क्या चीज़ फेस करोगे, ताकि ताकि यू एंजॉय द प्रोसेस. उसके बाद आपको एक साल डिस्ट्रिक्ट भेज देते हैं. तो माई कैडर इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में मेरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? वाह यार, बैतूल. अब बैतूल तो मेरे को भी नहीं पता था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जब आया था, तो मैं अभी से बताया, बहुत अच्छी बात है. मैंने जब देखा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट बैतूल है, मेरे को पता ही नहीं था कहाँ पर है ये. तो मैंने देखा मैप में, अच्छा ये महाराष्ट्र एमपी के बीच का बॉर्डर पे एक डिस्ट्रिक्ट है. मैंने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा, मेरे को बड़ी खुशी हुई. ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट था, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था, ह्यूज स्कोप टू वर्क, ह्यूज स्कोप टू वर्क. तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि एटलीस्ट जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, नाउ यू कैन डू दैट. तो आप डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो आपको, आप हनुमान हैं, आपको अपनी शक्तियों का एहसास हो जाता है जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट जाते हैं. समवन विल कम टू रिसीव यू, आपको अच्छे से एकदम ट्रीट करेंगे. 5-6 लोग आ जाएंगे आपके जाते ही, आपको 5-6 लोग नहीं, शायद 10-12 लोग आपको रिसीव करने आएंगे अच्छे से. यू विल बी एक्चुअली फीलिंग कि आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसका क्या, मैं आपको बताता हूँ, ये जो चीज़ें हमें लगती है ना कि यार ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों से होता क्या है, इन चीज़ों से आप एक पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में खुद को फील करते हो. एंड देन यू एक्चुअली स्टार्ट डिलीवरिंग थिंग्स. देर इज़ वन थिंग कॉल्ड मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट. उसमें क्या होता है, उसमें दोस्त हैं, मान लो 10 दोस्त हैं, दोस्त नहीं एक्वेंटेंस मानेंगे, मतलब एक दूसरे को जानते हैं, तो उनको 2 सेट में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, 1 सेट मैं एज अ, आपको एग्जैक्टली टेक्निकली ये चीज़ सही नहीं, बट एज अ लेमैन आपको बता रहा हूँ कि है क्या उस चीज़ में. 1 सेट इज अ जेलर, मतलब जो सुपरिटेंडेंट ऑफ दैट जेल है, एंड द अदर सेट आर प्रिजनर्स. ऐसा उन 10 बच्चों को बना दिया, ठीक है, फॉर दैट एक्सपेरिमेंट पर्पस. और जो जेलर हैं, जो 5 बच्चों को जेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उनको बोला है कि आप इन बाकी 5 बच्चों को आपको डिसिप्लिन में रखना है. डिसिप्लिन में कैसे रख सकते हो आप? अगर कोई कुछ शैतानी करे, मस्ती करे, तो यू कैन गिव देम इलेक्ट्रिक शॉक. ठीक है, और आफ्टर सम टाइम्स ये ऑब्जर्व किया गया कि जो लोग एक्चुअली जेलस थे वो इतना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गए थे कि दे वर गिविंग इलेक्ट्रिक शॉक्स टू द एक्सटेंट ऑफ डेथ. इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक्स देने लगे थे. सो द पॉइंट इज कि अगर आपको किसी पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिठा दिया गया, तो यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट. तो जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, आपको बहुत लोग रिसीव करने आते हैं, तो इट इज़ सुनने में लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थोड़ा, बट दिस गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. ऐसा नहीं कि 10 लोग लेने आ रहे हैं तो बस सूटकेस तुम उठाओ, ये तुम उठाओ, मेरे को तुम उठाओ, ऐसा नहीं. दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. तो जैसे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, नाउ जब आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, सो द डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इज फॉर 1 ईयर. एंड इफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कई जगह कलेक्टर बोलते हैं, कई जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, वो आपको 1 साल का आपका एक ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाते हैं, जिसमें आपको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम डिस्कस करेंगे.
तो डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत वेरीड एक्सपेरिमेंट होता है, बिकॉज आप डायरेक्टली दिल्ली से जा रहे हो, दो साल राजेंद्र नगर से जा रहे हो, और सीधे आप बैतूल जा रहे हो. बैतूल इज अ डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल डेवलप नहीं है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, बट उसका मेन सिटी एरिया बहुत छोटा है, बाकी जगह विलेजेस हैं. आर यू फ्रॉम बैतूल? अच्छा ठीक है. तो मेन सिटी एरिया छोटा है, बाकी विलेजेस वगैरह बहुत हैं, अराउंड 1500 विलेजेस हैं वहाँ पे, 1500. तो एंड आपको डिस्ट्रिक्ट संभालना है, आपको आपको वहाँ पे ट्रेन होना है. आपको अच्छा भी लगता है कि नाउ यू एक्चुअली हैव एक्सपोजर, जो आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है अभी तक, GS 1, 2, 3, 4, अब वो यहाँ अप्लाई होगा. वो अप्लाई एक्चुअली होता है. आई टेल यू वेरियस एग्जाम्पल्स. अब जैसे ही मैं वहाँ गया, तो सर ने मेरे को सबसे पहले, तो शुरुआत के एक महीने आपको बोलते हैं कि आप अलग अलग ऑफिस के साथ अटैच हो जाओ. तो कलेक्ट्रेट होता है, उसके अलग अलग ऑफिसेज होते हैं, तो आप अलग अलग ऑफिसेज में जाएंगे, आप उनके साथ अटैच हो जाएंगे. आपको पहले दिन आपको एक चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं, दूसरे दिन दूसरी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लैंड लॉस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आर्म्स एक्विजिशन लॉस के बारे में बता रहे हैं, ट्रेजरी के बारे में बता रहे हैं. आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताते हैं कि आपको पता होना चाहिए. उसके बाद आपको अलग अलग पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं बीच में, बट मैं ऊपर बता रहा हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक महीने के लिए तहसीलदार बना दिया गया. तहसीलदार आप कभी नहीं बनेंगे इस एग्जाम. बीइंग एन IAS, यू विल नेवर बिकम अ तहसीलदार. आप हमेशा तहसीलदार के ऊपर ही रहोगे. यू विल बी एन SDM फॉर 1.5 ईयर्स, उसके बाद यू विल बी एन ADM, एडिशनल कलेक्टर. तो एडिशनल कलेक्टर कैन बी मेनी थिंग्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर, CEO, एक्सेट्रा. हम इसी को छोड़ देते हैं. द पॉइंट इज, आप तहसीलदार कभी नहीं बनेंगे, बट आपको ट्रेनिंग में तहसीलदार बना दिया जाता है, जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिन लोगों को गवर्न करोगे, जिन लोगों को लीड करोगे, उनकी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो ऐसा तहसीलदार आप देखते हैं, आपके बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं. मैं तहसीलदार कोर्ट में बैठता था, मैं देखता था, मेरे पास बहुत अलग अलग तरह के केसेस आते हैं. और यहाँ पे जो मेरी UPSC की नॉलेज है, नॉलेज नॉट एग्जैक्टली फैक्चुअल नॉलेज, बट द पावर ऑफ एनालिसिस, यहाँ पे वो चीज़ काम आती है. आपके पास आप देखते हैं UPSC का पेपर, आपको लगता है कभी बहुत रैंडम होता है. आपको बड़े रैंडम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको लगता है ऐसा, और हमें उसको आंसर करना पड़ता है. बट द पॉइंट इज, रैंडमनेस इज इनहेरेंट इन दिस सर्विस. देर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी एट ऑल. आपको कभी भी फोन आ जाएगा कि सर मेरा ये खराब हो गया, यहाँ पे PDF सिस्टम खराब हो रहा है. आपके पास कभी भी किसी भी तरह का केस आ सकता है, आपके पास कभी भी ऊपर से कैसा भी ऑर्डर आ सकता है, कभी भी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ सकती है. एंड यू विल स्टार्ट लविंग इट. आपको इतना मजा आएगा कि आप जा रहे हैं, आप कोर्ट केस ले रहे हैं. इफ यू लव, आप जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, आपको हर चीज़ वो ये सर्विस दे देती है. आपको अगर सोशल सेक्टर में काम करने में मजा आता है, तो आपके पास इतना इमेंस सोशल सेक्टर का काम है कि आप कुछ भी कर सकते हैं. आपको अगर बैठ के लॉज वगैरह पढ़ने में मजा आता है, तो आपके कोर्ट लगेंगे, यू कैन यू आर जज इन दैट कोर्ट. मेरे को पता ही नहीं था कि हम लोग जज भी बनते हैं. तो जैसे मैंने देखा, मैंने कहा वाह यार, कटगरी और सब कुछ, ऊपर अपनी बैठने की कुर्सी. तो आपके केसेस लगते हैं, आप वहाँ पे रेवेन्यू केसेस डिसाइड करते हैं, क्रिमिनल केसेस में आप बाउंड डाउन करते हैं. तो अगर किसी को इस चीज़ में मज़ा आता है, तो वो ये कर सकता है. अगर किसी को पॉलिसी मेकिंग में मज़ा आता है कि यार मेरे को पॉलिसीज बनानी है, मेरे को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, पॉलिसी एनालिसिस, कोरिलेशन कॉजेशन क्या है चीज़ों के बीच में, किस पॉलिसी से क्या इफेक्ट आएगा, तो आपको पॉलिसी मेकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. आपको हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आप चाहते हैं. सो इट इज़ वन सर्विस दैट एनकम्पासिस ऑल द सर्विसेज. आप ऑब्वियसली, लोग बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हम इसलिए काम नहीं करना चाहते क्योंकि हमें सोसाइटी की हेल्प करनी है. द पॉइंट इज नॉट दैट. आप प्राइवेट से IAS में इसलिए आते हैं बिकॉज वट एवर इज देयर इन प्राइवेट सर्विस, यू कैन गेट दैट इन IAS ऑल्सो, एंड यू कैन गेट मच मोर देन दैट. एवरीथिंग इज एनकम्पास्ड इन इट. अगर आपसे कोई पूछे जाएगा IAS आप क्या काम करते हो जिले में, तो आपका आंसर नहीं होगा. भाई अगर कोई पूछे आप क्या काम नहीं करते हो जिले में, तो आपका आंसर होगा, क्योंकि सब तरह का काम आपके पास होता है, हर तरीके का काम. आपकी सुबह मीटिंग होगी जिसमें आप लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग लेंगे, उसके बाद वुमेन इशूज़ की मीटिंग लेंगे, उसके बाद हेल्थ इशूज़ की मीटिंग लेंगे, उसके बाद एजुकेशन की मीटिंग लेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहें. सो दिस इज द काइंड ऑफ पावर एंड दिस इज द सर्विस यू आर एस्पायरिंग फॉर. तो अगर आप इस सर्विस को एस्पायर कर रहे हैं, तो यू शुड नो कि आपको किस लेवल का डेडिकेशन चाहिए. द डेडिकेशन कैन नॉट बी कि यार सुबह उठे और मॉर्निंग में आफ्टरनून नैप ले रहे हैं. आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप अपने आलस से आपको दूर होना पड़ेगा. और मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको उस चीज़ का मोटिवेशन आए कि आप किस चीज़ की तरफ जा रहे हैं. तो सॉरी, आफ्टरनून में मॉर्निंग नैप ले रहे हैं, जो उल्टा हो गया था. एनीवेज, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हुई. तो मैं तहसीलदार में कोर्ट केसेस लेता था. तो जब तहसीलदार था मैं, तो बहुत डाइवर्स टाइप के केसेस आते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक केस आया जिसमें एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करना चाह रहा था. तो वो बार बार अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करने का एप्लीकेशन लगाता मेरे केस में. और जैसे ही वो एप्लीकेशन लगाता, हम लोग एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी डिवाइड होगी,
किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताओ. वैसे ही उसकी जो बेटी थी वो आ जाती, एक दूर रहती थी बेटी, कि ये मेरा नाम नहीं कर रहा है प्रॉपर्टी और ये छुपा के रख रहे हैं, बिकॉज पटवारी वगैरह मिल जाते हैं, पैसे वैसे खा लेते हैं. दिस इज द ट्रूथ ऑफ द सिस्टम एंड यू हैव टू फेस इट. तो बार बार वो एप्लीकेशन लगाता, जैसे ही उसकी बेटी आती वो एप्लीकेशन विदड्रॉ कर लेता. वाई? बिकॉज सिविल कोर्ट में, सीपीसी में, ही हैज द पावर दैट ही कैन विदड्रॉ हिज केस व्हेनेवर ही वांट्स. तो अब वही चीज़ मेरे पास है, ये बहुत सालों से हो रहा था. जो पुराने तहसीलदार वगैरह थे, एसडीएम थे, वो बार बार ऐसा करता, ही वॉज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि कब चूक हो जाए और मैं प्रॉपर्टी डिवाइड कर लूँ अपने हिसाब से. एंड वो बिग प्रॉपर्टी, मतलब अराउंड होगी 30 crore समथिंग, अच्छी वर्थ थी उस प्रॉपर्टी की. तो मैं आया, आई न्यू दी नॉलेज ऑफ लॉस एंड आई न्यू दी पावर ऑफ टेक्नोलॉजी. तो मैंने उस चीज़ को यूज़ करा और मैंने बहुत अच्छा एक लॉ का प्रोविजन निकाल के उस केस को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया. मैं कोर्ट में गया, मेरे पास एकदम से एक अ पर्सन हु वॉज रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेश, नाउ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो मेरे पास आया एक पट्टा लेके, पट्टा बोलते हैं लैंड उसका, और उसने बोला कि ये मेरी ज़मीन है, मेरे को यहाँ पे सरकार ने ज़मीन दी हुई है. नाउ इट इज़ सो रैंडम, मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ भी है. आई डेंट नो कि बैतूल के अंदर जो 1971 वॉर हुआ था उसके बाद बांग्लादेश के कई लोगों को यहाँ पर ज़मीन दे दी थी बसने के लिए. आई हैड नो आइडिया, दिस इज रैंडमनेस. और मेरे को उसको डील करना था. अगले दिन क्या हुआ, वहाँ भीड़ लग गई, अराउंड 100-150 लोग लग गए वहाँ पे कि ये हमारे साथ वहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है, हमारी ज़मीन पे दूसरे लोग आ रहे हैं वगैरह वगैरह. आप करो नो, इट इज़ सो रैंडम, आपको कुछ पता ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा ये लोग क्या बात कर रहे हैं यार. नहीं को मेरे को पता ही नहीं तुम क्या कह रहे हो, क्या करूँ तुम्हारा, बट ऐसा नहीं कह सकते आप. आपको उस चीज़ की नॉलेज होना बहुत जरूरी है और आपको पता होना चाहिए कि रैंडमनेस को आप कैसे डील करोगे. और ये एग्जाम आपका ये चेक करता है. आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसका आपको सिर पैर नहीं है, बट यू शुड नो कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हो कि किस लॉजिक पे ये क्वेश्चन बना होगा और उस लॉजिक से आप सब चीज़ों का आंसर कर सकते हो. दिस एग्जाम चेक्स दैट फॉर यू. तभी यहाँ पे इतने तरीके के पेपर हैं. भाई आपने पेपर वन लिखा, 2 घंटे का ब्रेक होगा, पेपर टू लिखोगे, बिल्कुल अलग है दोनों एक दूसरे से. एक में हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछ रहे हैं, एक में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पूछ रहे हैं. उसके बाद पेपर 3 लिखेंगे जिसमें इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट पूछ रहे हैं. फिर आप 2 घंटे का पेपर 4 लिखोगे जिसमें आपके एथिक्स के बारे में पूछेंगे. आप देख रहे हो आपका ब्रेन एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट हो रहा है, फिर तीसरे में शिफ्ट हो रहा है, चौथे में शिफ्ट हो रहा है. यही रैंडमनेस आपके साथ आएगी जब आप काम करेंगे. आपके पास सुबह एक चीज़ का फ़ोन आया, शाम में मान लो आपके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का फ़ोन आ रहा है आपके पास कि नहीं आप ये चीज़ करो. उसके बाद रात में ऐसा कुछ हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई. शाम में ऐसा हुआ कि किसी ने बोल दिया कि यार स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, इसमें टीचर्स नहीं आ रहे हैं, आप क्या करोगे. थिंग्स विल बी सो रैंडम फॉर यू दैट यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट. वाई? बिकॉज आपके पास एक स्कोप ऑफ इनोवेटिवनेस होगा. मैं एक स्कूल गया तो मैंने देखा कि बच्चों स्कूल जाते हैं तो 1-2 चीज़ें करते हैं आप. सबसे पहले आप बच्चों से पूछते हैं कि सब कुछ सही है, मिड डे मील वगैरह सही चल रहा है, आप लोग सब खा पी रहे हैं. उसके बाद 2-3 क्वेश्चन वोशन को देखे देखते हैं लेवल ऑफ जो बच्चों का लेवल है वो है या नहीं. तो मैंने 6th या 5th क्लास में 3x3 का मल्टीप्लीकेशन दिया, वो नहीं कर पाए. तो मेरे को बड़ा बुरा लगा कि यार फ्यूचर ऑब्वियसली नहीं बन पाएगा इनका. अगर ये इस लेवल पे इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आगे जाके कम्पीट कर ही नहीं पाएंगे. खासकर आप सोचिए ना, बैतूल का एक बच्चा, राजेंद्र नगर की आप लोगों जैसी क्राउड जो इतनी अवेयर है, जो इतनी जिनके पास रिसोर्सेज हैं, एक्सेस टू रिसोर्सेज हैं, उनके साथ कैसे वो बच्चा कम्पीट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा. वो हमेशा पॉवर्टी की एक विशेष सर्कल में फंस जाएगा. तो ठीक है, वो नहीं कर पाया. तो मैंने टीचर को बोला कि यार आप बता दो, तो टीचर भी नहीं कर पाया. तो ये लेवल होता, ये एक्चुअली ये लेवल होता है. हम लोग, मैं और कलेक्टर सर, हम लोग एक मीटिंग ले रहे थे सारे प्रिंसिपल्स की. उसमें टीचर्स भी आए हुए थे, सारे टीचर्स नहीं आए थे, मतलब 1-2 टीचर हर स्कूल से और प्रिंसिपल्स आए हुए थे. तो हम लोग ये देख रहे थे कि यार रिजल्ट कितना बुरा आया है हमारा बैतूल डिस्ट्रिक्ट का. जहाँ जो जो स्कूल में बुरा रिजल्ट आया है, हम उन टीचर्स को बुला रहे थे, उनको पूछ रहे थे क्या दिक्कत है, आप क्या कर सकते हो. थोड़ा प्यार से बात कर रहे थे, थोड़ी डांट लगा रहे थे, जो करना पड़ता है. तो हम ये देख रहे थे कि जो इंग्लिश का टीचर है वो हमारे पास आया, हमने उसे पूछा था तुम क्या पढ़ाते हो, तुम्हारा इतना बुरा रिजल्ट क्यों है. तो उसने बोला सर मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, अच्छी पढ़ाता हूँ वगैरह वगैरह. हमने कहा एक लाइन इंग्लिश में बोल के बता, दिस इज अ वेरी ग्रेव सिचुएशन. एक लाइन इंग्लिश में बोल के, एंड ही कुड नॉट स्पीक. आप, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, NCR में रहते हैं, हम लोग को ये पता नहीं है, बट दिस हैपन्स. जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, जब आपकी पोस्टिंग होगी, आपको पता चलेगा कि. और अब आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग हर स्कूल में तो जा नहीं सकते, आप लोग हर टीचर को सिखा नहीं सकते. नो, हियर कम्स द स्कोप ऑफ इनोवेटिवनेस, आप क्या कर सकते हो. तो मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, अभी वो काफ़ी अपने नेसेंट स्टेज में है. अब मैं जब वापस डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा तो आई विल ट्राई टू सी कि जो मेरे पास नॉलेज आ गई है मैं उसको आगे इम्पार्ट करूँ. आई डाउनलोडेड मेड एनिमेटेड वीडियोज़ फॉर ट्राइबल चिल्ड्रेन, उन्हीं की लैंग्वेज में, मतलब हिंदी में, और ऑडियोज उनकी लैंग्वेज में और कार्टून में. तो कार्टून वाया कार्टून उनको सब कुछ समझाया जा रहा था कि क्या मल्टीप्लीकेशन होता है, इंग्लिश बोलते कैसे हैं. मैथ्स का एक एक चैप्टर, हर चैप्टर की मैंने वीडियोज़ निकाल लिए थे. हर चैप्टर को मैंने बस टीचर्स को ये बोला बस आप बटन दबाओ. एक प्रोजेक्टर खरीद लिया था 5-6 हज़ार का, सस्ता था.
पैसे ज्यादा बोर्ड बोर्ड के होते नहीं है, तो हमने बोला कि एक व्हाइट पेंट कर लो आप दीवार पे, और जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ाओ तो पहले 15 मिनट ये वीडियो दिखाओ। तो उसमें भाया कार्टून बच्चों को समझाया जाता है, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। और आई एम जस्ट ट्राइंग टू से ये कितना आपके पास स्कोप होता है टू इनोवेट, बहुत स्कोप होता है। हेल्थ सेक्टर में लोगों ने इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव करे हैं। अभी रिसेंटली मेरे बैचमेट्स ने एक बहुत अच्छी ऐप लॉन्च करी, जिसमें स्टिल इन अ नेसेंट स्टेज, या ऐप लॉन्च होने वाली हो गई है, बट दे आर वर्किंग ऑन ऐप जिसमें आप एज अ बेनिफिशियरी अपनी सारी डिटेल्स डालो, और डालोगे तो आपकी जितनी भी स्कीम्स हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, यू विल गेट दी नॉलेज कि अच्छा इन इन स्कीम्स में एलिजिबल हूँ। तो यू कैन एक्चुअली आस्क गवर्नमेंट कि यार मेरे को इन स्कीम्स में ये सब चाहिए। अभी आपको पता ही नहीं होता आप किस स्कीम के लिए एलिजिबल हो, क्या हो वगैरह वगैरह। तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू एज एन IAS ऑफिसर और एनी काइंड ऑफ ऑफिसर। IPS में अगर किसी को वर्दी से प्यार है तो IPS से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आपको लोग सल्यूट मारेंगे, आप जाएंगे सर 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 सर, तो आपको बहुत आपको एक सेंस ऑफ पावर आएगी आपके अंदर कि यार बिकॉज इन पुलिस यू शुड हैव दैट सेंस ऑफ पावर। आपको अगर टैक्स लॉस वगैरह से प्यार है या फिर आपके खानदान में बहुत सारे CA हैं तो आपको IRS बहुत अच्छा लगेगा। वाई बिकॉज दे डील विद IRS, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्चुअली डील विद IRS, तो दे नो कि द पावर द अथॉरिटी दैट दे हैव। आपको IRS में आएगा किसी हर सर्विस का कुछ ना कुछ बेनिफिट है, हर सर्विस का कुछ ना कुछ बेनिफिट है, एंड एवरी सर्विस गिव्स यू सम अपॉर्चुनिटीज। द पॉइंट इज हर एक का डोमेन अलग अलग है, एंड IRS ऑफिसर माइट नॉट सर्व इन बैतूल जो बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, बिकॉज उनका जो डील करने का डोमेन है वो काफ़ी अलग है। सो दिस यू शुड कीप इन माइंड वैल्यू फिल द सर्विसेज। आई एम नॉट सेइंग फिल IAS ऑन टॉप और फिल IPS ऑन टॉप, फिल वॉट एवर सूट्स यू द बेस्ट। ये चीज़ याद रखना आप, नेवर आप अपने करियर को अपने पाथ को दूसरों की आंखों से मत तोलिए। आपको जो सही लगेगा, अगर आप जो अच्छा लगता है अगर आप वो करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा उस प्रोसेस में, इस तैयारी में भी और इन जनरल में भी। तो ऐसे एक साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, देन वी अगेन गो टू मसूरी, और वहाँ से हम लोग 3 महीने के लिए दिल्ली में आते हैं। अभी मैं दिल्ली में हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आके आप लोगों को, तो अजय सर इज़ माई सीनियर फ्रॉम कॉलेज, तो उन्होंने बुलाया इसलिए मैं आपको यहाँ टॉक दे पा रहा हूँ, बिकॉज आई एम इन दिल्ली, ऑल माई बैचमेट्स आर इन दिल्ली फॉर 3 मंथ्स, ऑल दी IAS बैचमेट्स। तो हम लोगों को दिल्ली में जो मिनिस्ट्री है, जैसे आई हैव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सबको कुछ ना कुछ मिनिस्ट्री अलॉट करी हुई है, सबको कुछ ना कुछ काम दिया हुआ है इस मिनिस्ट्री में, ताकि आपने डिस्ट्रिक्ट में फील्ड लेवल वर्क देख लिया, नाउ फोकस ऑन पॉलिसी मेकिंग कि पॉलिसी मेकिंग में आप क्या क्या काम कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं कितना डाइवर्स आपका एक्सपीरियंस है, कितना रैंडम आपका एक्सपीरियंस है, और कितना ब्यूटीफुल आपका एक्सपीरियंस है। आप जिस तरीके से काम करना चाहें आप कर सकते हो, यू हैव दैट फ्रीडम ऑल्सो, यू हैव दैट स्कोप ऑल्सो, यू हैव द पावर ऑल्सो, और ये सर्विस आपको दूसरों की भलाई करने के लिए पैसे दे रही है। व्हाट्स बेटर देन दैट। ओके, तो ये तो मैंने आपको बताया मसूरी में क्या क्या होता है, थोड़ा सा मैंने आपको अपने फील्ड का एग्जांपल दिया, एक्सपीरियंस बताया कि फील्ड में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं फील्ड में अलग अलग। एकदम से मेरे पास एक बार आया कि यार जो हम लोग वीट प्रोक्योर करते हैं, सारे फार्मर्स मेरे उसके बाहर खड़े हो गए, तहसील के बाहर, कि जो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है वो बदमाशी कर रहा है, वो हमारा नापतोल नहीं कर रहा, वो पैसे लेके जो पहले आ रहे हैं उनका कर रहा है। तो एकदम से सडनली यू हैव टू गो, वहाँ पे भीड़ लग गई 200-300 लोगों की, आप एकदम से कैसे संभालेंगे उस भीड़ को। ये चीज़ UPSC आपके एथिक्स पेपर में चेक करता है। जैसे 2015 का जो पेपर है एथिक्स का, तो उसमें पूछा गया था आपसे कि नॉट एज एन ऑफिसर, ये पूछा था कि आपकी शायद कॉर्पोरेट जॉब है, 40-50 लोगों की मॉब आ गई आपके पास कि लोगों को हमारे कि हमारे लोगों को अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दो, आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करेंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये आप किताबी ज्ञान से तो नहीं आप इस चीज़ को का उत्तर दे पाएंगे ना। आपको इस चीज़ का उत्तर देने के लिए एक कॉमन सेंस, एक ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, और एज अ ह्यूमन बींग यू शुड बी शार्प। अगर वो सब हैं तो आप इस चीज़ का बहुत ईजिली आंसर दे पाएंगे, है कि नहीं। ऑब्वियसली ना, आप इस चीज़ का आंसर नहीं दे सकते ना कि किताब पढ़ के। क्वेश्चन था कि मान लीजिए आप एक डिजास्टर में फंसे हुए हैं, एथिक्स का पेपर था, हाँ ये क्वेश्चन था। अब सी सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आपसे क्या आप इसमें ये सोचना, आप क्वेश्चन का आंसर में सोचना भी, अब ये सोचना कि UPSC आपके अंदर क्या ढूंढ रहा है। इस क्वेश्चन के पीछे एक पर्पज है, एक स्किल है जो आपके अंदर वो देखना चाहता है। इट जस्ट सेज कि यार आपके डिस्ट्रिक्ट में आ गया डिजास्टर, वहाँ पे 6-7 तरीके के लोग फंसे हुए हैं, ये क्वेश्चन पढ़ा है किसी ने ना, आप किस को पहले बचाओगे और किसको बाद में बचाओगे। 6-7 कैटेगरी दी हुई है, फर्स्ट दिया हुआ है सीनियर सिटीजन, सेकंड दिया हुआ है पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, थर्ड दिया है वुमेन एंड चिल्ड्रन, फोर्थ दिया है हाइकर, फिफ्थ दिया है टूरिस्ट, सिक्स दिया है रूलिंग पार्टीज, सेवन दिया है रीजनल प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद हिज फैमिली, एट दिया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द नेबरिंग स्टेट, और 9 दिया है प्रिजनर इन जेल। सो सी दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड फ्रॉम बुक। ये 9 कैटेगरीज हैं, आपको बताना है आप किसको सबसे पहले बचाओगे, क्यों बचाओगे, और जिसको नहीं बचा रहे उसको क्यों नहीं बचाओगे। एंड हियर UPSC सीज योर कॉमन सेंस, जब आप रीजन दोगे
तो क्या रीजन देंगे आप, किसको बचाएंगे? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा चाय पे चर्चा करते हैं, तो किसको बचाएंगे? प्रिजनर्स को बचाएंगे। प्रिजनर्स को क्यों बचाएंगे? पर क्या आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं को, बच्चों को, सीनियर सिटीजन को बचाने की नहीं? ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिटीजन्स ना, इवन प्रिजनर्स आर द सिटीजन्स ऑफ। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू द आंसर ना, मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ये स्कोप नहीं है यहाँ का, बट दिस क्वेश्चन केम इन माई पेपर और बहुत ब्यूटीफुली मैंने कंसल्ट किया था इसका आंसर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अनेकांतवाद वाली फिलोसफी को समझ के चलना, मतलब एक आंसर सही नहीं है, डोंट बी अ डॉगमेटिक पर्सन। हो सकता है बिजनेस सही हो सकता है बिजनेस सही नहीं हो, हो सकता है कोई वुमेन एंड चाइल्ड को बचाए, कोई हो सकता है कोई सीनियर सिटीजन को बचाए, हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले बंदे को बचाए, कुछ भी हो सकता है। बट वॉट यू पी सी डिमांड्स इज नॉट द राइट आंसर बट द राइट रीजनिंग बिहाइंड दैट आंसर। अब जो भी चीज़ बोले उसको जस्टिफाई आप कर पाएँ अच्छे से, और जस्टिफाई करने के लिए आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी कंसाइंस उस चीज़ के साथ एग्री करनी चाहिए। इसलिए आप एथिक्स के पेपर में देखते हैं कि एथिक्स के पेपर में कॉन्शियसनेस, कंसाइंस, लॉ, एथिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है। तो जरूरी नहीं है कि आपने मॉरल साइंस पढ़ी हो डीएवी से, जरूरी नहीं है ये, जरूरी बस ये कि आपके पास एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप कैसे चीज़ों को आंसर करोगे और कैसे सामने वाले को कन्विंस करोगे। अब कन्विंसिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? अब मान लीजिए आपके सामने 50 लोग आ गए हैं, अब आपको उनसे कुछ बात अपनी बतानी है, दे विल नॉट लिसन टू यू। मॉब साइकोलॉजी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अभी आप 100 लोग, तीन जितने भी लोग हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर कोई इंडिविजुअली मेरे पास आए तो मैं उससे बहुत डिफरेंट तरीके से बात करूँगा। ये साइकोलॉजी है। अगर आप यहाँ पे अभी आप खड़े होकर स्पीच देने लग जाएं तो बहुत अलग तरीके से बात करेंगे, और अभी आपके रूम पे जाके कोई आपसे बात करे तो बहुत अलग तरीके से बात करेंगे। वाई? बिकॉज मॉब साइकोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल साइकोलॉजी, और मॉब साइकोलॉजी को इफेक्ट करने के लिए आपको एक बहुत प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा, नहीं तो लोग नहीं मानेंगे, मानेंगे ही नहीं, वो पीछे से चिल्लाने लग जाएंगे एक दो लोग कि नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, चिल्ला के नीचे छुप जाएंगे, पता नहीं चलेगा किसने चिल्लाया। फिर ये होता है, ये चीज़ वो एकदम से पीछे चिल्लाएंगे, पीछे से किसी ने मार दिया, कुछ पत्थर वत्थर फेंक दिया, ये होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि आजकल बहुत, इट्स अ वेरी सैड थिंग कि सम SDM, सम ऑफिसर्स वर एक्चुअली लिंच्ड, वर ट्राइड टू बी लिंच्ड बाय द मॉब, एंड इट्स रियली सैड कि ऐसा होता है। बिकॉज व्हेन यू सर्व इन द फील्ड, आप अपने मोटिव के लिए सर्व नहीं कर रहे हो, यू आर सर्विंग फॉर पब्लिक। ये ट्रू है कि आपको महीने के एंड में तनख्वाह आ रही है आपके पास, बट एक्चुअली आपके मन में वो तनख्वाह, बिकॉज दैट इज नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव सैलरी। सैलरी की भी हम बात कर लेंगे, कई लोगों के मन में दुविधा होती है, मुझसे क्वेश्चन आते हैं कि, कई लोग तो चलो ऐसे क्वेश्चन होते तैयारी कैसे करनी चाहिए, कई लोग सीधे पूछते हैं सर सैलरी कितनी है, सैलरी बताइए आप, बाकी चीज़ें तो ठीक है, तो उस पर भी हम डिस्कस। बट द पॉइंट इज कि यू आर नॉट वर्किंग फॉर सैलरी ऑब्वियसली, बिकॉज सैलरी के लिए आप अगर वर्क करना चाहते तो आप 2 साल तैयारी करके कोचिंग खोल सकते हैं, मच बेटर सैलरी देन दैट। पर द पॉइंट इज यू आर वर्किंग फॉर पब्लिक, और जब आप जाएंगे आपको लगेगा कि मॉब आपके सामने खड़ा है, आप उन्हीं के लिए तो काम कर रहे हो, और वही आपको उल्टा बोल रहे हैं, वही आपको लिंच करने की, मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यू विल वेरी डिसहार्टन, यू विल वेरी डिसहार्टन। तो यू शुड नो हाउ टू कन्विंस द रीजन द पब्लिक, और उस स्किल से, उसी स्किल्स की जो टेस्टिंग है वो UPSC में होती है। तो अब मैं थोड़ी सी पार्टिसिपेशन इन द सर्विस, जो हमारा टॉपिक था, दो थे, एक तो परफॉर्मेंस और दूसरा पार्टिसिपेशन इन द सर्विस, आई थिंक जो आज की टॉक का टॉपिक था, अब उन्होंने टॉक का टॉपिक देखा नहीं। अच्छा, तो इन एनी केस मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन पे भी आ रहा था, और साथ साथ मैं सर्विस के बारे में आपको आइडिया तो दे ही दिया, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। किसी का कुछ सवाल, दुविधा, कुछ मन में कोई चीज़ हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, तो मैं थोड़ा बहुत फिर प्रिपरेशन में डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से। अपनी मर्जी तो है ही नहीं तुम्हारी, अपनी मर्जी जैसे तुम्हारा सिलेक्शन हो ख़त्म, तुम्हारी बस अपनी मर्जी इतना है कि तुम अपना कैडर चूज़ कर सकते हो, ठीक है, और उसमें भी अपनी मर्जी, अब जोनल सिस्टम आ गया तो उसमें भी थोड़ी तुम्हारी मर्जी कम हो गई है, ठीक है, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाओगे, तुम शादी भी शायद अपनी मर्जी से नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो अपनी मर्जी तो खत्म हो गई तुम्हारी, तो मिनिस्ट्री तो बहुत दूर की बात है, जो एकदम इट इज़ टोटली रैंडम प्रोसेस यार। अपनी मर्जी जहाँ पर आ गई वहाँ पे बहुत इशू हो जाएगा भाई, वहाँ पे करप्शन का स्कोप आ जाएगा, वहाँ पे बायसनेस का स्कोप आ जाएगा, वहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म का स्कोप आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे नेपोटिज्म का स्कोप आ जाएगा। तो अपनी मर्जी कुछ नहीं होती, इट हैज़ टू बी रैंडम। रैंडमनेस के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उस दोस्त का भी सिलेक्शन हो गया, वो भी सर्विस में, और वो मेरा टॉक देख रहा होगा, अभी फ़ोन करेगा मेरे को ख़त्म होते, बहुत गालियाँ देगा मेरे को आज।
यार बहुत तरीके से आप कर सकते हो एजुकेशन सेक्टर में. फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन सेक्टर को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो. आपको जिस सेक्शन में फोकस करना है वो सेक्शन फोकस कर सकते हो. आप जैसे मैंने आपको एक अपना एग्जांपल दिया प्राइमरी एजुकेशन में मैंने कैसे फोकस किया. आप बहुत चीज़ें कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल टीचर टू टीचर एब्सेंटिज्म की बहुत प्रॉब्लम है. आप यू कैन डिवाइस अ मैकेनिज्म जिससे आप इंश्योर कर सकते हो कि टीचर्स आर प्रेजेंट इन द स्कूल. आप ये देख सकते हो. आप मान लो पॉलिसी मेकिंग में चले गए. यू कैन एक्चुअली डिवाइस ऐसा कंटेंट जो आपको लगता है इज मोस्ट एप्ट फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एरियाज. आप स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर सकते हो. मेरा एक दोस्त है बैचमेट है और फ्रेंड भी है काफ़ी अच्छा. तो उसने अपने जिस ब्लॉक का वीडियो था उसने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव करा. वहाँ का बहुत इंप्रूव करा. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ही अगर इंप्रूव होता है तो बच्चों को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है. अब इस क्लास में इतना अच्छा लाइटें हैं दीवारें वगैरह वगैरह. ऊपर से अगर पानी टपक रहा होता आप पर तो आपको नहीं मज़ा आता बैठने में. तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंसल्फ आपकी साइकी बहुत चेंज करता है. और आप बहुत चीज़ें कर सकते हो. कंटेंट कर सकते हो. टीचर मॉनिटरिंग कर सकते हो. मेनी थिंग्स ना मेनी मेनी थिंग ह्यूज थिंग्स जो आप कर सकते हो. आप वर्चुअल क्लासेस जो होती नहीं आजकल स्मार्ट क्लासेस उनका कंसेप्ट आप धीरे धीरे विद टाइम आप लगा सकते हो. कैसे लगाओगे आप लोगों का बहुत स्कोप होते हैं. आप कंसल्टेंट्स को बुलाओ. आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए कि कहाँ का इनिशिएटिव चल रहा है. अब उस चीज़ को गवर्नमेंट स्कूल में इनकॉर्पोरेट करिए. आप पायलट बेसिस पे कुछ स्कूल्स उठाइए. उसके बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं ये इनिशिएटिव अच्छा सक्सेसफुल हो रहा है तो आप उसको आगे स्प्रेड करिए. आप स्कूल्स के अंदर गर्ल चाइल्ड टू बॉय चाइल्ड रेशियो अगर आप एक बार मेंटेन करेंगे ये भी बहुत बड़ी चीज़ है. आप स्कूल के अंदर बच्चों का अटेंडेंस मेंटेन कर लेंगे कि बच्चे आ रहे हैं ये भी बहुत बड़ी चीज़ है. अगर एक बच्चा साल में 365 दिन स्कूल आ जाए तब भी वो बहुत कुछ सीख के चले जाएगा. पर आते ही नहीं है बच्चे स्कूल. अब देखना बच्चे स्कूल ही नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको काम कराएंगे गरीब एरिया में. उनको लगता है कि स्कूल भेजने का कोई फायदा नहीं है. डेमोक्रेसी में सब लोग शॉर्ट टर्म अपना बेनिफिट देखते हैं. लॉन्ग टर्म कोई सोच नहीं पाता है. वही उनके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि स्कूल ना भेजें. तो आप इस चीज़ में उनको मोटिवेट कर सकते हैं. देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू. आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है. आप उसको बुलाइए. आप उससे डिस्कस करिए क्या क्या इशूज़ हैं. आप उसको सॉल्व करिए. जो ऑफिशियल्स होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर दे आर गुड. दे कैन वर्क हार्ड बट यू हैव टू लीड देम. और आप हर फील्ड में आपके पास ऑलरेडी एक बंदा होगा डेजिग्नेटेड काम करने वाला. आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर फील्ड में इतना घुस जाओ. आप उसको बुलाओ. उसको बैठाओ. चाय बुलाओ. पूछो उससे कि क्या क्या इशूज़ हैं. अपने इनोवेटिवनेस उसको बताओ कि ऐसा ऐसा होगा. उसके उस पर मॉनिटरिंग करो एंड दैट फील्ड विल डेफिनेटली इम्प्रूव. एजुकेशन में तो बहुत कुछ हो सकता है. बहुत कुछ कर भी रहे हैं लोग. यार वो एक पर्टिकुलर आंसर हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे. बिकॉज एक आंसर पे जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा. उससे बेसिक जो स्कोप. और अगर इफ़ यू वांट टू नो ऑलरेडी मैं इसलिए नहीं बता रहा एक और पॉइंट कि ऑलरेडी दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन. मेरे एक विजन पे एक पहले जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब भी मैं यहाँ पर आया था. तब मैंने आर्ट ऑफ एसे राइटिंग के बारे में डिस्कस किया था एंड आई डिस्कस द सेम क्वेश्चन देयर. तो हम लोग टाइम बचाते हैं. वो क्वेश्चन वहाँ देखो यू विल नो. इट इज़ वन आवर टॉक. पहले हाफ में ऐसे सेकेंड हाफ में इसी को डिस्कस किया था मैंने इसी क्वेश्चन को. लोकल लोगों का सपोर्ट. यार देखो दो तीन चीज़ें होती है. सबसे पहले आप जहाँ भी जाओगे द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट दैट यू सर्व उसके बाद योर इमेज इज कैरीड बिफोर यू. अब जैसे ही कहीं जाएंगे तो सबको पता चलेगा कि ये जो ऑफिसर आ रहे हैं ये कितने ऑनेस्ट हैं. कितने इनकी इंटीग्रिटी कैसी है. कितने हार्ड वर्किंग हैं. कितने स्मार्टली काम करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सबसे पहली चीज़ जैसी आपकी इमेज जाएगी तो लोकल्स को ऑलरेडी फेथ हो जाएगा. इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली फरीदाबाद गुड़गांव यहाँ पे लोगों को इतना पता नहीं होता. बट इन स्मॉल सिटीज़ एवरीवन नोज कि कलेक्टर कौन है एसपी कौन है क्या काम कर रहे हैं. एवरीथिंग विल बी नोन टू देम. उसके बाद जब आप काम करना शुरू करेंगे व्हेन यू एक्चुअली वर्क फॉर देम. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक जन सुनवाई होती है एमपी में. एक जन सुनवाई एमपी से कोई है यहाँ पे मध्य प्रदेश से. अच्छा बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश मतलब हैं 10-12 लोग. तो जन सुनवाई होती है मध्य प्रदेश में एंड ट्यूजडे को होती है. तो जन सुनवाई के दिन क्या होता है कि हम लोग बैठ जाते हैं अपनी टीम के साथ एंड इट इज़ ओपन टू पब्लिक. कोई भी आके अपनी प्रॉब्लम बता देता है एंड वील डील विद देयर प्रॉब्लम. उनकी प्रॉब्लम दूर करेंगे. ठीक है ये हो गई जन सुनवाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे. हम लोग क्या करते थे हम लोग एक स्टेप और ऊपर जाते थे मेरे कलेक्टर सर की गाइडेंस में. तो हम लोग जो ब्लॉक्स होते थे हम अलग अलग ब्लॉक में पंडाल लगाते थे. ठीक है और उसमें रात तक बैठे रहते थे और पूरी टीम को अपनी बुला लेते थे साथ में. तो कोई भी होगा आपके पास आएगा अपनी प्रॉब्लम लेके एंड यू विल डील विद दैट प्रॉब्लम. इससे क्या होता है आपकी इमेज बिटवीन लोकल्स आपकी इंप्रूव होने लग जाती है. द थर्ड थिंग दैट यू डू इज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स. यू शुड नो दैट यू आर अ सिलेक्टेड पर्सन. ही इज़ एन इलेक्टेड पर्सन. डिफरेंस बस एक एस का है. ठीक है ही इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल एंड यू शुड वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन विद हिम. क्योंकि उनकी ऑलरेडी लोकल्स में बहुत अच्छी रीच होती है. वो रीच आप इतनी जल्दी नहीं बना सकते. आप जाएंगे जैसे मैं बैतूल गया तो मैं वहाँ कभी गया नहीं ना मेरे को कोई लोकल जानता वगैरह. बट दी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव दी MLAs देयर दे हैव अ वेरी गुड रीच. तो अगर आप उनसे अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे तो दे विल टेल यू लॉट मेनी थिंग्स अबाउट द डिस्ट्रिक्ट. और सी वाई डू वी रिस्पेक्ट अ पॉलिटिशियन. वाई एक अगर मॉब है मेरे सामने खड़ी 1000 लोगों की तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा ना. अच्छे से इज्जत से बात करूंगा है कि नहीं. वॉट इज अ पॉलिटिशियन. ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज 1000 पीपल.
The Prime Minister is representative of all the people of this country. So he's not one person. He's actually all the people in one person. That chair is actually all the whole India. That is that chair. So the MLA in my district is actually every person in that district, but he's just one. He's just a representative of all of them. So you can see kya aapko local se image banani hai. If you work in tandem with him, to achhi image banegi. Uske baad, the more field visits that you do, usse aapki achhi banegi, but ye to bahut baat ki cheez hai. Local se image abhi mat bana lena. बहुत स्कोप है यार, बहुत स्कोप है. बट द पॉइंट इज कि यू योरसेल्फ कैन नॉट गो इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली. यू योरसेल्फ बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम, यू डोंट हैव द कॉम्पिटेंसी. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज डन बाय स्पेशलिस्ट. यू शुड नो दैट यू योर जॉब इज दैट ऑफ अ जर्नलिस्ट. या आपको रिसर्च वगैरह करनी, हायर एजुकेशन कर सकते हो. यूपी आपको सर्विस आपको ये स्कोप भी देती है कि यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन और गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू, आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी वगैरह वगैरह उसके लिए. बट वेन यू हैव टू, आप अगर एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो आर एंड डी के लिए, मान लो आप पॉलिसी मेकिंग में एजुकेशन के अंदर या हेल्थ के अंदर, आपको देखना है कि यार मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा हेल्थ सिस्टम बेटर हो जाए, क्या इस पर आप रिसर्च कराना चाहते हैं, तो यू मेक दैट प्लेटफॉर्म, यू हायर पीपल, यू हैव ऑल दी पावर्स. आप कर सकते हो, आप एक एनवायरमेंट बना सकते हो, वो लोग रिसर्च करेंगे, यू कैन मॉनिटर दैट रिसर्च. बट यू योरसेल्फ कैन नॉट गो इनटू रिसर्च बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम ना, आपका स्कोप ही नहीं है वो चीज़ का. अ वेरी गुड क्वेश्चन. और इसी क्वेश्चन के साथ हम तैयारी, हम अपने टॉक का डायरेक्शन अब चेंज कर लेते हैं, हम प्रिपरेशन में आ जाते हैं. अ वेरी गुड क्वेश्चन. व्हाट इज शी इज आस्किंग, व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर स्टार्टिंग टेस्ट सीरीज. और ये दुविधा आप लोगों के मन में आएगी बार बार. एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ और आँख बंद करके इस चीज़ को अपना लीजिए. द पॉइंट इज, अगर आपकी तैयारी आपको लगे ज़्यादा है या कम है, डजंट मैटर, गिव द टेस्ट. डजंट मैटर बिकॉज जब आपका पेपर 29 सितंबर से है ना, इस बार मेन्स कब से है, 28 सितंबर, 27 सितंबर की रात में भी जो बहुत जिसकी रैंक वन आने वाली है इस रिजल्ट के बाद, उसको भी लग रहा होगा यार मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है. उसको लगेगा ही लगेगा, वो चीज़ें भूल जाएगा, 100% भूलेगा. बट द पॉइंट इज जस्ट गिव द टेस्ट. टेस्ट के दो फायदे हैं. फर्स्ट थिंग इज बिकॉज जब आप पेपर देंगे उस टाइम भी आप लोग, आपको ये लगेगा मेरी तैयारी पूरी नहीं है, तो वही चीज़ आपको अभी भी लग रही है, तो डजंट मैटर, यू हैव टू गिव. द सेकंड थिंग इज द टेस्ट हेल्प्स यू इन लर्निंग थिंग्स. द टेस्ट हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स. व्हेन यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, यू आर वाइज एनफ टू नो कि आई डिड दिस मिस्टेक बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड दिस टॉपिक. यू आर वाइज एनफ टू नो दैट, सो इट्स ओके. बट यू आर ऑल्सो वाइज एनफ टू नो कि दिस मिस्टेक आई डिड इवन आफ्टर नोइंग द टॉपिक, एंड दिस इज वेयर द टेस्ट विल हेल्प यू. तो आई विल से एक बेसिक स्टैंडर्ड बना लो अपना, बेसिक स्टैंडर्ड बना लो अपना, ठीक है. प्रीलिम्स की टेस्ट की बात करता हूँ. बेसिक स्टैंडर्ड बना लिया अपनी, जो बेसिक बुक्स हैं सारी कर ली आपने, लाइक पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री की आपने स्पेक्ट्रम कर ली, ज्योग्राफी की आप लोग कुछ करते होंगे बुक, और इकोनॉमिक्स की आपने पढ़ ली कोई बुक, और वगैरह वगैरह आपने हर टॉपिक कर लिया. जब आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया और आपने करंट अफेयर्स पिछले 3-4 महीने के, 5-6 महीने के, अभी इतना ही बोलूँगा मैं, कर लिया आपने, तब आपको एक लेवल आ गया कि आप टेस्ट दे सकते हो. स्टार्ट गिविंग टेस्ट. पहले टेस्ट में आपको बहुत धक्का लगेगा, आई एम श्योर अबाउट इट. दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवे, दसवें, बारहवें टेस्ट तक आके आप लोग, आपको एकदम ऐसा कोई उठा के बोले कि टेस्ट देना है तो आप दे दोगे, ऐसा हो जाएगा. ओके, आई विल, यार फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी की जो मेन कोचिंग है वो तो मतलब मेरा कुछ उसमें पढ़ना नहीं था. मैंने टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन किया था, ठीक है. अब टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन किया था तो मैंने ये सोचा था कि यार टेस्ट सीरीज के दो फायदे होने चाहिए मेरे पास, लर्निंग वाला फायदा हटा के. एक चीज़ वो मेरे को सिलेबस कंप्लीट कराने में भी फायदा कर दे, ठीक है. सिलेबस कंप्लीट कराने में फायदा कर दे इन द सेंस कि मेरे को पता है कि यार इस कोचिंग का टेस्ट ए है, उसका ये सिलेबस है, तो उससे क्या मेरे को एम मिल गया. जब मेरे को एम मिल गया तो मैं उस एम को सोचते हुए पढ़ाई करूंगा, जिस दिन टेस्ट होगा मैं उस दिन टेस्ट दे दूंगा, ठीक है. इस चीज़ में आई वॉन्टेड अ फ्लेक्सिबल टेस्ट सीरीज. वाई, कि हो सकता था कि यार मेरा जो टेस्ट ए है मैं उस चुनिंदा तारीख में जाकर ये अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँ, तो मेरे को 3-4 दिन आगे पीछे शिफ्ट होने जाए. तो मैंने दो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी. वन टेस्ट सीरीज वॉज अ बिट फ्लेक्सिबल, जो मेरे को सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प कर रही है. द अदर टेस्ट सीरीज वॉज टोटली फिक्स्ड. सो द पहली वाली टेस्ट सीरीज का क्या फायदा हुआ, मेरे को सिलेबस कंप्लीट करने में फायदा दे रही है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी फ्लेक्सिबल है, मैं खुद को टेस्ट कर सकता हूँ. मगर सेकंड वाली टेस्ट सीरीज वो एकदम फिक्स, तो मेरे को उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ता था, ठीक है. तो देयर आर टू टाइप ऑफ टेस्ट जो आप देखेंगे. एक है कि आप कभी भी पेपर लाके टेस्ट दे सकते हैं, आपको चेक होकर मिल जाएगा. एक आपको टेस्ट सीरीज ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको जिस दिन आपको है
उसी दिन आपको सारे 300 बच्चे साथ में बैठेंगे, आपको जाके टेस्ट देना पड़ेगा. दोनों आपकी अलग अलग स्किल्स को इम्प्रूव कर रही है. आपका क्वेश्चन भूल गया मैं, आंसर तो दे दिया मैंने. नहीं नहीं, कब स्टार्ट के बाद इन्होंने ये बोला था कि ओके तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ. तो जो दो टेस्ट सीरीज हैं, तो पहली वाली जो मेरे को सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प कर रही है, नाउ इट इज़ योर अप्रोच. सो आप सिलेबस कंप्लीट करने में दो तीन चीज़ें कर सकते हो, या तो अपना खुद का सेट कर लो, नो प्रॉब्लम इन दैट. पर अगर आप टेस्ट सीरीज का फॉलो करते हो चलते, तो यू गेट अ गाइडेंस, यू गेट एक्चुअली अ गोल कि मैं इस गोल को कंप्लीट करूंगी. तो यू कैन डू एनीथिंग. सो आई डिड एक्चुअली आई डिड कि भाई कौन कौन से टेस्ट हैं वो सब टेस्ट मैं दे दूंगी. पर उससे फायदा क्या होगा, उससे जब आप सेकेंड अटैम्प्ट दोगे, ठीक है, तो सेकेंड अटैम्प्ट दोगे तो ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हुआ होगा, ठीक है. एट दैट टाइम यू डोंट नीड अ गाइडिंग लाइट टू टेल यू कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है. और जनरली सेकेंड अटैम्प्ट सब देते ही हैं. तो इन द फर्स्ट अटैम्प्ट ट्राई कि जो टेस्ट सीरीज आप कर रहे हो क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक को सोचा, पढ़ लिया, जाकर टेस्ट दे दिया. एंड देर इज नो राइट टाइम टू गिव अ टेस्ट. जैसी तैयारी एक लेवल के ऊपर हो जाए आपकी, स्टार्ट गिविंग टेस्ट. सही बात है यार. तो पहले ही बताओ किसके लिए कर रहे हो. ओके, द पॉइंट इज कि सबसे पहले तैयारी शुरू करने से पहले यू शुड बी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर कि आप एग्जाम क्यों दे रहे हो. अगर आप क्लियर नहीं होगे आप डग मगाओगे ही और दुविधाएं आएंगी ही और परिणाम में पहुंचने में बहुत मुश्किल आएगी. द सेकेंड थिंग इज, जब भी आपका यार मोटिवेशन लेवल कम हो, आई एक्चुअली ट्राई टू सजेस्ट दिस थिंग टू ऑल ऑफ यू. वॉट आई डिड वॉज, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया हुआ था एंड ये मेरे को एक मेंटल स्टेबिलिटी देने में बहुत हेल्प करता था. तो आई विल सजेस्ट कि डू सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो आपकी मेंटल लेवल को भी, मेंटल मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है. रिटेंशन वगैरह वगैरह, राइटिंग स्किल्स सब सही है, बट योर माइंड शुड भी स्ट्रॉन्ग इनफ कि जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है. बट हमें मध्यम मार्क पकड़ना है, मध्यम मार्क इज़ अ बेस्ट मार्क. तो एटलीस्ट आपका माइंड को पता होना चाहिए कि यार मैं इतना फ्लक्चुएट अगर मैं कर भी रहा हूँ, आई कैन रीच बैक ऑन दैट इक्वानिमिटी लेवल, ठीक है. जो होते ना समता का भाव आपके माइंड में आना चाहिए धीरे धीरे. अगर आप ज़्यादा आपका वो हो भी रहा है और मैं इसके अब दूसरे भी आपको, ये तो हो गया आप खुद के लेवल पे क्या काम करें. सेकेंड हो गया कि ट्राई टू हैव अ ग्रुप, एक अच्छा ग्रुप, ऐसे दोस्त जिस पे आप विश्वास कर सकते हो. कभी कोई दिक्कत आए, क्योंकि मैं न्यूज़ में पढ़ता हूँ, बड़ा दुख हुआ था कि रिसेंटली एक IAS एस्पायरेंट एक्चुअली कमिटेड सुसाइड. सो माई बैचमेट्स हैव मेड अ पेज, अ वेरी ब्यूटीफुल पेज, ह्यूमंस ऑफ लबासना. लबासना इज मसूरी अकेडमी, एक FBA पेज है. तो उस पेज पे लोग अपनी पूरी स्टोरी डालते हैं कि कैसे मैं बना, एंड ऑल द स्टोरीज आर ऑफ वेरी वेरी मतलब हार्डशिप कि कैसे मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा. तो उस पेज को सब्सक्राइब करो. उस पेज में आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलेंगी जिसको आपको देख के लगेगा यार कि मेरा लेवल इनसे बहुत ऊपर है, मतलब मेरी कठिनाइयाँ इनसे बहुत कम है. तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो मेरे को दुखी होने का कोई मतलब नहीं है. जो मेरे पास है मैं उससे आई एक्चुअली गिव माई बेस्ट शॉट. तो वर्क ऑन योर मेंटल लेवल, एंड सेकेंडली ये सब पेरिफेरल चीज़ें आप इन पर वर्क कर सकते हो. सी, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आई विल टेल यू कि UPSC में डोंट फॉल इनटू मॉब साइकोलॉजी. अगर आप कोई भी डिफरेंट टाइप का ऑप्शन लेते हैं तो लोग आपको पकड़ के काफ़ी पकड़ लेंगे, आपको बोलेंगे नहीं ये गलत ऑप्शनल है, ये मत ले तू, मैं बताता हूँ क्या लेना है. ऐसा नहीं, आप ऑप्शन को देखो, आप उसका सिलेबस देखो, आप उसमें देखो कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं. पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी कंफर्टेबल. जितना आप कंफर्टेबल हो गए आप उतना उसमें एक्सेल कर पाओगे, आपने कंफर्टेबल देखा. सेकेंडली डू सी दिस कि इसमें नंबर बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज तो नहीं आते कभी, एटलीस्ट एवरेज नंबर तो आते हैं सबके. लाइक देर आर सम सेफ ऑप्शनल्स जो आप ले सकते हो, आई वॉन्ट टेल द नेम क्योंकि सबके लिए वो डिफरेंट है, बट देर आर सम ऑप्शंस जिसमें आपको पता है कि आप एवरेज नंबर तो ला सकते हो, एंड इफ आई पुश इनटू इट मेरे नंबर्स काफ़ी अच्छे हो पाएंगे. थर्ड थिंग इज दैट आई वुड ट्राई टू टेल यू दैट यू शुड अवॉइड इज डोंट टेक अ ऑप्शन जो आपको लगे कि यार मेरे को GS में हेल्प कर देगा. दिस शुड नॉट एट ऑल बी द पैरामीटर. आपने हिस्ट्री ऑप्शन ले लिया सोच के कि GS में हेल्प कर देगा, दो क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री के मान लो दो क्वेश्चन आए, तीन क्वेश्चन आए, उसमें एक जने के अगर 12 नंबर आ गए आपके 14 नंबर आ जाएंगे. आप दो नंबर के लिए आप पूरा ऑप्शनल नहीं चूज़ करोगे. तो डोंट टेक द ऑप्शनल, ये स्ट्रेटजी सबकी होती है. और कई लोग तो ये बोलते हैं कि यार मैं ये ऑप्शन दे देता हूँ क्योंकि मेरे को सर्विस में काम आएगा, ये एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जब मैं सर्व करूँ तो यार वो सब चीज़ें आपको सिखा दी जाएगी मसूरी में क्या काम आनी है. एंड डोंट टेक द ऑप्शन जो आपको GS में हेल्प करेगा. ये तीन चीज़ें हुई. द फोर्थ थिंग इज आपको ये चीज़ कम्फर्ट होना चाहिए कि यू कैन स्कोर वेरी गुड इन इट. ठीक, ये क्या मेरे लिए क्वेश्चन पूछो ना ऐसे. चलिए आई विल टेक दिस क्वेश्चन.
सो द फोर्थ थिंग इज कि यू शुड बी श्योर कि इसमें अगर आप इनपुट दोगे तो आपका अच्छा स्कोर आना चाहिए, आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथ्स क्यों लिया था, आई जस्ट टेल यू, मैंने मैथ्स इसलिए लिया था क्योंकि जनरल स्टडीज में मेरे को लगता था कि यार बहुत सब्जेक्टिविटी है. हो सकता है मैंने एक क्वेश्चन एक फ्रेम ऑफ माइंड से आंसर किया, बट एग्जामिनर का फ्रेम ऑफ माइंड कुछ और है एंड आई गेट लो मार्क्स. बट ये जीएस बिकॉज इट इज कंपलसरी तो आई हैव टू फेस विद इट. तो आई थॉट कि एटलीस्ट मैं ऑप्शनल ऐसा ले लूँ जिसमें मैं सब्जेक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिड्यूस कर लूँ. पहली चीज़ मैंने ये देखी. दूसरी चीज़ मैंने देखी कि इसका सिलेबस क्या है, आई वॉज कंफर्टेबल. तीसरी चीज़ मैंने देखी कि जो पिछले साल के टॉपर्स हैं उनके मैंने वीडियोज़ देखे एंड देवर क्वाइट श्योर कि इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है, इफ़ यू वर्क गुड इन इट. ये तीन चीज़ें मैंने देखी एंड आई टुक दिस ऑप्शनल. डोंट गो विद मॉब साइकोलॉजी कि ये ले लो ये जीएस में हेल्प कर देगा, नॉट लाइक दैट. इफ़ यू हैव अ गुड ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है आप वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. आप उसके पिछले साल के पेपर देखो, उनके मार्क्स देखो कैसे कैसे आते हैं बच्चों के, अपना कंफर्टेबल देखो. दीज थ्री आर द मेन पैरामीटर्स. एक एनोनिमस क्वेश्चन या धमकी लग रही है मेरे को. ये किसने लिखा है, अपना हाथ ऊपर खड़ा करो. नहीं अच्छा क्वेश्चन है इसमें. आप प्री के दो तीन महीने पहले सारी पीटी टेस्ट सीरीज देने का क्या फायदा है एंड नुकसान होता है. सी टेस्ट सीरीज का फायदा नुकसान है अभी विद इन द टॉक मैं कवर करता रहूंगा. द पॉइंट ऑफ टेस्ट सीरीज इज कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर गिविंग अ टेस्ट. तो मेरा ये एम था कि मैं इतना कंफर्टेबल हो जाऊं बाय गिविंग अ टेस्ट कि व्हेन आई गिव द मेन टेस्ट यूपीएससी तब मेरे लिए इट शुड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर टेस्ट दैट आई वाज गिविंग. आई शुड बी सो कंफर्टेबल विद दैट. आई शुड बी सो कंफर्टेबल विद दैट. दैट इज द मेन एम. When Sachin used to bat, वो इतनी प्रैक्टिस करता था, इतनी प्रैक्टिस करता था कि जो असली मैच था इट वॉज एज कम्फर्टेबल एज अ प्रैक्टिस मैच. दैट इज वॉट यू हैव टू डू. कोहली आप देखते हैं कितनी प्रैक्टिस करता है. आप बैडमिंटन में चले जाए, ली चोंग वी, लंडन देखेंगे, यू विल सी दैट एंटायर डे दे यूज टू प्रैक्टिस. सो द पॉइंट इज टेस्ट सीरीज देने का ये फायदा है कि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं जो आपको करना है फाइनली, पहली चीज़. सेकेंड चीज़ें आपको याद हो रही है टेस्ट सीरीज से, चीज़ें आपको याद होगी. इनफैक्ट मेन्स में इंस्टेड ऑफ अ बुक मैंने आखिरी में क्या किया था, मैंने जो टेस्ट सीरीज थी अलग अलग कोचिंग की वो टेस्ट सीरीज उठा लेती जिसमें क्वेश्चन और आंसर भी था उनका, और मैं उसको रीड मारता था राधा देना बुक. मैं उन क्वेश्चंस को रीड मारता था, उन क्वेश्चंस और उनके आंसर, क्वेश्चन उनके आंसर. मैंने उसी की एक बुक बनानी थी, जीएस टू की एक बुक बना ली मान लो, उसमें सारे क्वेश्चन जीएस टू के उनके साथ साथ आंसर, ठीक है. आई यूज टू रीड दैट. वाई? बिकॉज दैट टेस्ट इन इटसेल्फ हेल्प्स मी लर्न एनी थिंग्स. तो टेस्ट सीरीज का तो टेस्ट सीरीज इज द थिंग फॉर द एग्जामिनेशन, उसके बिना आपका नहीं हो पाएगा. दैट इज द पॉइंट. हाँ नहीं सारे बाजार से सारे टेस्ट सीरीज क्या होता है यार. देखो एक्चुअली सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा फंडा है. एक तीन चार देखो कई कोचिंग होती हैं जो अच्छा कंटेंट बनाती हैं, कई होती हैं जो थोड़ा सा मतलब बिलो एवरेज होता है. वो तीन चार कोचिंग आपको अपने आप पता चल जाएगा थोड़े समय के अंदर कि कौन सा अच्छा मटेरियल बनाती है कौन सा बुरा बनाती है. मैं क्या करता था, मैं उन तीन चार मैंने सोच लिया मान लो कि हफ्ते में मैं हर अल्टरनेट डे एक पीटी का टेस्ट दूंगा, मैंने सोच लिया मान लो. तो अब इतने टेस्ट तो एक कोचिंग बनाएगी नहीं है ना, इतने टेस्ट एक कोचिंग बनाएगी नहीं. मान लो 90 टेस्ट आए मेरे कैलकुलेशन थे कि मेरे को 90 या 100 टेस्ट देने हैं, तो नो कोचिंग गिव्स 100 टेस्ट. तो मेरे को अलग अलग कोचिंग का उठाना पड़ता था मटेरियल, मैं टेस्ट देता था उसको इवेल्युएट करता था. अनदर थिंग इज मैंने इकोनॉमिक सर्वे और योजना वो अपनी है. इंडिया यूरोप मान लो याद करनी है मेरे को, इंडिया यूरोप की स्कीम्स याद करनी है मेरे को कुछ कुछ. तो अब मैं पूरी इंडिया यूरोप उठाऊंगा तो नहीं हो पाएगा. तो मैं क्या करता था, मैंने कोचिंग के टेस्ट उठा लिया इंडिया यूरोप के, तो मैं तीन चार कोचिंग के इंडिया एयरबुक के टेस्ट उठा लिए, होगा 400 क्वेश्चन मेरे पास. अब वो 400 क्वेश्चन मैंने कर लिया, मैं खुद की तसल्ली मान लेता था कि यार इंडिया एयरबुक हो गई मेरी, मैं उस बुक को नहीं उठा सकता. इसलिए मैं अलग अलग कोचिंग में ये शफल मारता रहता था कि किस में पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट अच्छा होगा, मैं ये उठा लेता था. इसलिए मैं अलग अलग कोचिंग के मटेरियल उठाता था. और सेकंड पॉइंट, बिकॉज मैं इतने टेस्ट करना चाह रहा था कि एक कोचिंग प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए मैं तीन चार कोचिंग का उठाया. आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन? ओके मैं इसका ये आंसर दूंगा. साल भर जो है ना मतलब एग्जामिनेशन के डेढ़ साल पहले आप मेंस के टेस्ट लिखो, पीटी के इतने टेस्ट मत लिखो, मेंस के टेस्ट ज़्यादा लिखो. पीटी के टेस्ट आप एग्जाम के चार महीने पहले से लिखना शुरू करो, और बीच बीच में कभी लगा दिए तो लगा दिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट ज़्यादा फोकस आप मेंस के टेस्ट में करो. वाई? इसका एक रीज़न है. इसका रीज़न ये है कि आप पीटी का टेस्ट क्यों दे रहे हो, मेंस का टेस्ट क्यों दे रहे हो. मेंस का जो टेस्ट आप दे रहे हो उससे जो आप स्किल सीख रहे हो उस स्किल को इम्प्रूव होने में टाइम लगता है, ठीक है. वो स्किल इतनी जल्दी इम्प्रूव नहीं होगी. प्रीलिम्स में भी टाइम लगेगा, बट मेंस वाले टेस्ट की स्किल्स विल टेक टाइम. तो आप धीरे धीरे आपका फ्लो ऑफ थॉट्स, आपका एक्सप्रेशन,
आप कहाँ फैक्ट यूज कर रहे हो, कहाँ डायग्राम बना रहे हो, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तो आपको एक डेढ़ साल से आप मेंस के टेस्ट दो, प्रीलिम्स के टेस्ट आप 4-5 महीने पहले दे सकते हो, आई थिंक सो। बीच बीच में कभी देना है टेस्ट की दे देते हैं, एक बार इवेल्यूएट कर लेते हैं। मान लो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी पूरी, आपको अपना पॉलिटी चेक करना है, तो आपने उठाया किसी कोचिंग का टेस्ट, दिया पॉलिटी के 100 क्वेश्चन सेक्शन वाइज टेस्ट, ऐसे दे सकते हो। बट यू शुड ऑलवेज नो आप जो चीज़ कर रहे हो क्यों कर रहे हो, आप कौन सी स्किल को इंप्रूव कर रहे हो। ऑलवेज बिफोर रीडिंग अ न्यूज़पेपर आर्टिकल जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक इस टॉपिक के बारे में को क्या पता है, एंड आफ्टर रीडिंग दैट आर्टिकल अगेन क्लोज योर आइज एंड थिंक कि मैंने क्या नया सीखा। ऑलवेज नो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग इट, ठीक है। नोट्स पे आ रहा हूँ मैं, नोट मेकिंग आई विल डिस्कस, आई विल राइट दिस ताकि मैं भूलूँ ना, इतनी बड़ी थी। कितना, हाँ, सही बात है। इनका क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि शायद लाइव वीडियो चल रही है, बाकियों को समझ नहीं आएगा जो देख रहे हैं। इनका क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट का भी जो मेंस होता है, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल टेल यू व्हाई। इनका है कि फॉरेस्ट का जो मेंस है, यूपीएससी का मेंस है, उसमें जो डिफरेंस है 2 महीने का 1.5 महीने का, उसमें मैं किस चीज़ पर एक्स्ट्रा फोकस करूँ ताकि मैं दोनों एग्जाम क्लियर कर पाऊँ, दैट इज योर फोकस। कॉमन ऑप्शन नहीं है तो, और कॉमन ऑप्शन है तो दोनों चीज़ें हम कवर कर लेंगे। सी, मैं थोड़ा सा हट के शुरू करूँगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखना कि यू गिव मोर एग्जाम्स। आप सिर्फ यूपीएससी का जो ये सर्विस है ना, 21 सर्विसेज या 20 सर्विसेज, इन पे फोकस मत करो। वाई? बिकॉज यू शुड ऑलवेज हैव अ फॉल बैक करियर, नहीं तो यू विल बी रिजेक्टेड। आप लोगों को बहुत एकदम से झटका लग सकता है व्हेन यू सी कि यार अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आई एम बैक टू ग्राउंड जीरो। व्हेन यू गिव योर मेंस, व्हेन यू गिव योर इंटरव्यू, एंड आप देखते हैं आपका रिजल्ट ही नहीं आया और आपको लगता है मेरे को फिर से वो चढ़ाई शुरुआत से करनी है, यू वी वेरी रिजेक्टेड। तो हमेशा कोशिश करो कि आप 2-3 एग्जाम साथ साथ देते रहो, उसमें से एक एग्जाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। दिस इज वेरी कंफर्टेबल, वाई? बिकॉज प्रीलिम्स तो सेम होता है, तो आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, तो मेंस क्लियर करना इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इज क्वाइट ईजी। आई टेल यू, मेंस क्लियर करना इज क्वाइट ईजी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। आपको मैं टिप चीज बता रहा हूँ जो मेरे को बिल्कुल नहीं बताती, इफ़ यू क्लियर प्रीलिम्स। सिमिलरली आप 2-3 एग्जाम और देना हमेशा, नेवर मेक दिस एज योर ओनली थिंग, ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इनमें जो डिफरेंस होता है क्या करना चाहिए 2 महीने में। सी, जो जीएस का पेपर है फॉरेस्ट का और यूपीएससी का तकरीबन सेम है, उसको मैं हटा देता हूँ। 2 ऑप्शन लेने होते हैं फॉरेस्ट में, मैंने तो मैथ्स ले लिया था। सेकंड ऑप्शन, वन ऑप्शन दैट इज वेरी कॉमन दैट आई शुड टेल यू इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री एक छोटा सा ऑप्शन है आपका, 20-25 दिन में पूरा ऑप्शन प्रिपेयर हो जाएगा। मेरे फॉरेस्ट्री में मैथ्स से ज़्यादा नंबर आ गए थे, तो फॉरेस्ट्री का ऑप्शन है जो आपका बहुत जल्दी से आपका प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। एक ग्रीन कलर की बुक होती है, मानिक नंदन, वो एनफ। उस बुक को आप करिए और उस बुक में जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को आप गूगल करिए, ठीक है। नेपाल फॉरेस्ट्री का एक ब्लॉग है, वो ब्लॉग खुलेगा, उस ब्लॉग से चीज़ें पढ़ते रहिए। बुक को एज अ बेस लेके चलिए, आपकी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो, अपने आप समझ जाएंगे आप, ठीक है। ग्रीन कलर का कवर आता था मेरे समय में, और ग्रीन ही होगा अगर फॉरेस्ट की बुक है तो। और सेकेंड ऑप्शन फॉरेस्ट में क्या लेना चाहिए, यार आई कैन नॉट कमेंट बिकॉज मैंने फॉरेस्ट ही पढ़ा है, तो मैं दूसरे पे कमेंट करूंगा तो गलत होगा वो। अच्छा, ये और ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया ना मोटा मोटा? जी, स्टूडेंट 3 के लिए मैंने यार विजन के जो वो आते हैं वैल्यू एडिशन मटेरियल वो पढ़ा था, और बाकी मृणाल के वीडियोस देखता था मैं, ठीक है। बट थिंग्स हैव चेंज, टाइम्स हैव चेंज, पीपल हैव चेंज। वही मैंने आपको शुरुआत में बताया, बूंदी चूर का लड्डू लेके जाओगे तब भी आपका तुक्का जीरो बैठ जाएगा। आपको अपने अंदर कैलकुलेटिव गेसिंग, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हाउ टू इम्प्रूव योर गेसिंग स्किल्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, वो आपको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, ताकि आप क्वेश्चन देखकर आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाए कि यार ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यू कैन स्टार्ट एलिमिनेटिंग ऑप्शन। और ये आपको प्रीलिम्स से समझ आएगा। आप प्रीलिम्स के टेस्ट दीजिए और उसको एनालाइज करिए आराम से 1-1.5 घंटा लगा के। अब हर क्वेश्चन में सोचिए यार मैं क्या सोच रही थी और क्या आंसर है इसका, मैंने क्या गलत सोचा और क्या मेरे को सोचना चाहिए था। विद टाइम आप देखेंगे कि आपके अंदर वो गेसिंग स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगी। मैं भी पहले ये करता था, 40 क्वेश्चन मेरे को आते थे, पर मैं 100 क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया, वो 100 क्वेश्चन मैंने आपको बोल तो दिया बहुत मज़े में, बट दैट उस 100 क्वेश्चन तक आने को मेरे को बहुत मेहनत लगी। मैंने वो चीज़ अपने अंदर इंप्रूव करी कि कैसे मैं अच्छे से गेस कर सकता हूँ एक आंसर, दैट गेस इज़ नॉट रैंडम गेस, दैट इज़ वेरी कैलकुलेटिव गेस। कैसे मैं किसी क्वेश्चन को देख के सोच सकता हूँ कि क्या आंसर होना चाहिए अगर मेरे को नहीं पता, तो ये चीज़ आपको इंप्रूव करनी है। और ये सिर्फ टेस्ट देने से आएगी, टेस्ट एंड एनालिसिस। जितना टाइम आप टेस्ट में दोगे उतना टाइम टेस्ट को
एनालाइज करने में दोगे उसके आंसर्स, ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीज़? टेस्ट एंड एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक आप पूछे थे पहले, नहीं नहीं सब चीज़ मैंने आपको शुरुआत में ये चीज़ आपको मैंने बताई थी एज अ कॉशन कि आप मटेरियल ज़्यादा इकट्ठा मत करो, ठीक है. मटेरियल इकट्ठा करने का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो आप, मैं तो ये करता था यार, मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया और मंथली मैगजीन उठा लेता था किसी अच्छी कोचिंग की करंट अफेयर्स करने के लिए, ठीक है. डेली आईएएस बाबा इनसाइट आपको यूज़ करना है तो यूज़ इट फॉर आंसर राइटिंग. उसमें क्वेश्चन आते हैं ना डेली के, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उनका मटेरियल मत पढ़ो और, ठीक है. इतना खुद को हमेशा इनपुट आउटपुट रेशियो का ध्यान रखना यूपीएससी में. आप कितना इनपुट दे रहे हो और उसका कितना आउटपुट आ रहा है. अगर आपने ऑलरेडी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है फॉर प्रीलिम्स, आप एक और बुक पढ़ लोगे उसमें आप उस बुक को पढ़ने में आप एक महीना लगा दोगे, एट मैक्स आपका आउटपुट एक क्वेश्चन शायद एक्स्ट्रा आ सकता है. इनपुट आउटपुट रेशियो जहाँ आपको लगे कि बहुत बेकार है मत करो, न्यूज़पेपर पढ़ो और मंथ के एंड में एक मैगजीन उठा लो. आईएएस बाबा को यूज़ करना है, इनसाइट्स को यूज़ करना है, उनका अच्छा मटेरियल होता है, बट यूज़ इट फॉर आंसर राइटिंग, इट इज़ माई एडवाइस. इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ देयर मटीरियल फॉर करंट अफेयर्स देन डोंट टेक अ मंथली मैगजीन. एक ही चीज़ उठाओ. यहाँ से कोई आवाज़ आई थी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन जब तक आप वहाँ तक पहुँचेंगे उस सफर तक, तब तक आपको ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा. इसका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपको ये चीज़ कि इंटरव्यू इज़ अ थिंग जिसको आप प्रिपेयर अभी से नहीं कर सकते. दिस इज वन थिंग दैट इज यू आर प्रिपेयरिंग सिंस योर बर्थ. आपकी पर्सनैलिटी बन रही है धीरे धीरे, आप कैसे बात कर रहे हो एक्सेट्रा. अभी के लिए मैं जो आपको बता देता हूँ छोटी सी चीज़, सी इन इंटरव्यू यू आर एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, ठीक है. मेंस में वाइल एक्सप्रेसिंग नो वन इज सीइंग यू, बाद में देख रहा है. इंटरव्यू में एट द मोमेंट समवन इज जजिंग यू. माय सजेशन इज सिंपल, अगर आपको इंटरव्यू के बारे में सोचना है आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ो, उस आर्टिकल को बंद करो, शीशे के सामने जाओ एंड ट्राई टू एक्सप्रेस वॉट एवर यू हैव रेड इन योर ओन वर्ड्स इन एज स्मॉलर नंबर ऑफ वर्ड्स एज पॉसिबल. तो उससे आपकी ब्रेविटी की क्वालिटी इंप्रूव होगी. ब्रेविटी मतलब बहुत छोटे से संक्षेप में एक्सप्रेस कर देना चीज़ों को. इंटरव्यू में ट्राई कि आपकी ब्रेविटी, दिस इज द आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन इंटरव्यू, ब्रेविटी. और कॉन्फिडेंस भी आपका साथ साथ इंप्रूव होगा, ठीक है. सो द ओनली थिंग इज न्यूज़पेपर पढ़ो, बंद करो, शीशे में देखो, उसको एक्सप्रेस करो जो आपने सीखा. विद टाइम आपकी ब्रेविटी, वर्ड्स, कॉन्फिडेंस सब इंप्रूव हो जाएगा. प्रीलिम्स में आपकी रिटेंटिव पावर रिक्वायर्ड होती है मोटा मोटा. मेंस में आपकी एनालिसिस पावर होती है. इंटरव्यू में मेरे को जो लगता है आपकी क्वालिटीज एज एन ऑफिसर, आपका कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ें आपकी चेक करी जाती है. क्वालिटीज एज एन ऑफिसर मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको दिखाना है कि नहीं यू आर एन ऑनेस्ट ऑफिसर, यू आर अ हार्ड वर्किंग ऑफिसर. आपकी क्वालिटीज एकदम से सामने वाला जज करेगा, ठीक है. मेंस में हर पेपर में क्वालिटी जज नहीं होगी. तो इंटरव्यू में जब आप आंसर दो, अब सामने वाला जब आपको जज कर रहा है तो ही विल जज बाय योर वर्ड्स एंड बाय योर एक्सप्रेशंस. तभी मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस एंड ब्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू. उसके लिए रीड अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, क्लोज इट, स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर विद टाइम, और डू दिस डेली फॉर अराउंड 6-7 मंथ विद टाइम. हम देखना 7-8 महीने के बाद अब बहुत खुद आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आ रहा है. बट द पॉइंट इज हम ये चीज़ कर नहीं पाते हैं. मैंने आपको बता दिया आई डोंट थिंक आप ये चीज़ कर पाओगे डेडिकेटेडली, बट इफ़ यू डू इट इट विल इम्प्रूव. बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, आप कैसे इंटरव्यू में बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आपको अपने आप जब आप मॉक इंटरव्यूज देंगे मेंस के बाद तो आपको अपने आप कोचिंग वाले आपको समझा देंगे या जो एक्सपर्ट्स होंगे आपको समझा देंगे कैसे बैठो, कैसे एक्सप्रेस करो, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या पहनना चाहिए. मैंने अपने इंटरव्यू के लिए बहुत सिस्टमेटिक तैयारी करी थी. आई मेड वेरी गुड नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स बनाए थे मैंने इसके, एंड मैंने हर चीज़ प्रिपेयर थी कि इफ़ My views are in contradiction with the views of the interviewer. तो मैं कैसे उस पॉइंट को एक्सप्रेस करूँगा. इफ़ आई डोंट नो समथिंग मैं कैसे उस चीज़ के बारे में बोलूँगा. एक एक मैंने अलग अलग वर्ड्स करे हुए थे. अगर मेरे को 5 क्वेश्चन नहीं आते मैं उन 5 क्वेश्चन के लिए सेम आंसर नहीं दूंगा उनको. सर आई डोंट नो, मैंने उन 5 क्वेश्चन के लिए अलग अलग वर्ड्स बताए हुए थे मैं कैसे बोलूँगा. अगर थोड़ा सा कन्वर्सेशन गैप आ रहा है, वैक्यूम आ रहा है थोड़ा सा, मतलब उन्होंने कुछ बोला नहीं है, मेरे पास भी कुछ कंटेंट नहीं है, तो हाउ विल आई फिल इट. ईच एंड एवरी थिंग मैंने प्रिपेयर करी थी, बट ओवरऑल फ्रेमवर्क होना चाहिए ब्रेविटी और कॉन्फिडेंस का. वो आपको कैसे करना है मैंने कोशिश करी बताने की, बट यू लर्न योर सेल्फ विद टाइम. देखो 1 ईयर करंट अफेयर तो आपको करना ही है अच्छे से, बाकी तो आपकी जो जनरल ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो आएंगी. 1 ईयर करंट अफेयर सर गुड एनफ. यूपीएससी पुराना भी पूछ लेता है बट वो हमारे हाथ में नहीं है, आप भूल ही जाओगे. 1 साल का काफ़ी है. 1 सेकेंड, एक ही फिर आपका ले लेता हूँ, है ना, वो पीछे साथ. आपको ऑप्शनल क्या है पहले मेरे को ये जाना जरूरी है, बिकॉज देर आर सम ऑप्शन जो बहुत स्टैटिक होते हैं लाइक मैथ्स, बट पॉलिटिकल साइंस.
जो इसका स्टैटिक पार्ट है, हर चीज के दो पार्ट में डिवाइड करो, एक स्टैटिक और एक डायनामिक. स्टैटिक पार्ट जो मतलब आपने आज तैयारी कर ली तो 10 साल बाद ही सेम रहेगा, वो तो सबसे पहले आप पूरा कंप्लीट कर लो. पूरी तैयारी में जो भी स्टैटिक चीजें हैं वो आप पहले ही कंप्लीट कर लो ताकि आपको लॉस नहीं हो. अब अगर अभी डायनेमिक चीजों में काम करोगे तो 2 साल बाद चेंज हो जाएगी सारी. इन जनरल कंप्लीट आई थिंक प्रीलिम्स से पहले तो हो जाना चाहिए, दो बार प्रीलिम्स से पहले, और टेस्ट वेस्ट भी आप लिख चुके हो फॉर अ कंफर्टेबल पोजिशन. ऑब्वियसली आप बाद में भी करके कर सकते हो मेहनत करके, बट बींग कंफर्टेबल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रीलिम्स के पहले हो जाए और आपने टेस्ट वेस्ट भी दे दियो. तो उसमें जो भी ट्रुथ है वही बताना आपका, जो भी है मतलब अगर आप पावर को सीख करते हो तो पावर के बारे में बताना, अगर आप सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हो तो वो बताना, जो भी ट्रुथ है. लाइफ चेंजिंग इवेंट बता सकते हो, पर ये याद रखना कि जिस भावनाओं से आप बता रहे हो जरूरी नहीं है कि वो अट्रैक्ट हो उन भावनाओं से. कई चीज़ें हमको लगती हैं यार कि ये चीज़ हमारे को बहुत दुखदायी थी, हम बताएं तो उनको शायद भावुक हो जाएंगे, क्योंकि इंडियन आइडल में जब कोई ऐसा करता था मैं उसी को वोट देता था. इंडियन आइडल में यही होता है ना, जब वोट मांगते हैं हम भावुक हो जाते हैं फिर उसको वोट देते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है इसमें चले आपके साथ, ठीक है. यू हैव टू बी स्मार्ट. अब वहाँ दया नहीं मांग रहे हो याद रखना, अब वहाँ पे अपनी स्मार्टनेस दिखा रहे हो. यू आर गुड फॉर द सर्विस. ऐसे नहीं कि आप एकदम ऐसे दुखी हैं तो नहीं ये लड़का तो अच्छा है आ जा गले लगा लिया आपको, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे. मार्क ट्वेन का नाम सुना है आपने? मार्क ट्वेन वन सेड कि आई नेवर अलाउड माई स्कूलिंग टू कम इन द वे ऑफ माई एजुकेशन. ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि आपकी स्कूलिंग क्या है, आपका कॉलेज क्या है, द पॉइंट इज यू आर बींग एजुकेटेड ईच एंड एवरी डे. ठीक है, वो चीज़ आप ध्यान रखिए. आप ये मत सोचिए कि यार एक IIT का बंदा है इसका स्कूल बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, नहीं. मैं आपके क्वेश्चन में आता हूँ. शुरुआत में क्या एक कोट मारना पड़ता है तो इसलिए कोट मार दिया मैंने. तो मैं आपको बताता हूँ क्यों IIT के लोग इस चीज़ को निकालते हैं, क्यों निकालते हैं. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, मैं ये क्यों कहता हूँ कि IIT में जाने का मेरे को सबसे ज़्यादा फायदा क्या हुआ, नॉट कि प्रोफेसर अच्छे थे, बट द पॉइंट इज मेरे को एनवायरनमेंट का फायदा हुआ. आई गेट अ वेरी सीरियस फोकस एनवायरनमेंट विद मी. हम लोग 4 दोस्त थे, तैयारी करते थे, 4 IIT से थे हम लोग, और सबका सिलेक्शन हो गया. एक का अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ तो उसने छोड़ दिया. द पॉइंट इज कि वी आर वेरी वेरी फोकस्ड इन आवर अप्रोच. द पेपर चेकर डजंट नो कि यू आर फ्रॉम IIT और नॉट. ठीक है, द ओनली थिंग इज कि आप इतने फोकस हो गए ना अपने अप्रोच में तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा. तो पहली चीज़ एन IIT इन गाय विल ऑलवेज हैव गुड कॉन्फिडेंस. बट जनरली उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है. क्यों? क्योंकि भाई रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया. आप भूल लोगे आप कहीं से भी हो, आप अपना कॉन्फिडेंस अच्छा इंप्रूव कर लो. बिकॉज इन ईच एंड एवरी पेपर योर कॉन्फिडेंस विल बी रिफ्लेक्टेड, एवरी पेपर, इवन इन प्रीलिम्स. अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं होगे तो आप कैलकुलेटिव गेसिंग ही नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ 40 क्वेश्चन में अटक जाओगे, आपका स्कोर नहीं आएगा. तो द ओनली थिंग कि मेरे को जो लगता है कि IIT का इतना अच्छा रिजल्ट आया है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कॉन्फिडेंस, दैट इज दी ओनली थिंग. और बाकी अगर और पेरिफेरल रीजंस देखें हम तो फर्स्ट इसमें एक और रीज़न है कि मॉब साइकोलॉजी से बचना बहुत जरूरी है. कि भाई जैसे मैंने बताया कि कई लोग एक कॉमन ऑप्शन ले लेंगे कि यार यही ऑप्शन लेते हैं, सब यही ले रहे हैं. अ गाय फ्रॉम अ कॉलेज जिसमें उसको कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्टअप है वो इस मॉब साइकोलॉजी से बच सकता है. उस पर खुद को उसको खुद पर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं यार कोई और ऑप्शन भी लूंगा तो मैं कर पाऊंगा. अगर आप उस कॉन्फिडेंस को लेके आ जाओ अपने अंदर, इट डजेंट मैटर कि कोई किसी कॉलेज से हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल. जस्ट गेट दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. इसलिए मैं कहता हूँ मेडिटेट करो, अच्छा ग्रुप बनाओ, अपने आप को इवैल्यूएट करते रहो, अपने आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा. रैंक वन इज नॉट फ्रॉम IIT, जो मतलब मेरे बैच में नहीं था, वो इंजीनियरिंग फील्ड से भी नहीं थी. आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट. माई ओनली पॉइंट इज कि समवन एल्स कैन डू, इवन यू कैन डू. 100 में से अगर 80 बच्चे IIT से नहीं है, बाकी 20 बच्चे तो नॉन IIT से है ना, मतलब उनमें वो क्वालिटीज वो ले आए थे ना जो होनी चाहिए. सो इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर एट ऑल. द ओनली थिंग इज कॉन्फिडेंस. और क्योंकि उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, फोकस. अगर आप वही चीज़ अपने अंदर लिया होता है तो डिफरेंट एलिमिनेट्स. और इनफैक्ट इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं कि IIT का एडवांटेज मिलेगा. इनफैक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप IIT से यहाँ पर क्यों आए, आप जॉब करिए, हमारे को प्राइवेट जॉब्स की भी जरूरत है, स्टार्टअप्स खोलिए. तो इट कैन ऑल्सो गो नेगेटिव एट टाइम्स, आप देखिएगा. तो इट डजेंट मैटर एट ऑल. आंसर राइटिंग फॉर मी, यार आंसर राइटिंग फॉर मेन्स इज अ वेरी वेरी बिग टॉपिक. आई विल जस्ट ट्राई टू टेल यू इन माय नोट मेकिंग और आंसर राइटिंग. इस पर मैं थोड़ा टच कर दूंगा, ठीक है. यार आई रियली लाइक दिस बोर्ड, बहुत अच्छा है. और मैं आई विल टच ऑन दिस पक्का. हाँ
पॉलिटिकल सी यार मैंने एक चीज़ लाइफ में जो सीखी है, सिंपल सी चीज़, अगर आप मुझसे ये पेन मांगो और मैं बोलूँ ले जा, और अगर मैं बोलूँ यार मैं नहीं दे सकता मेरे हाथ में नहीं है, द पॉइंट इज़ अगर आप किसी को प्यार से मना भी कर दो, पॉलिटिशियंस आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, आप प्यार से उसको मना कर दो तो ही वोंट बी हर्ट, बट अगर आप उसका काम कर दो और अखड़ होकर बोलो उससे तो विल बी अगेंस्ट यू. द ओनली थिंग इज अगर आप पे कोई पॉलिटिशियन प्रेशर डाल रहे हैं, बी पोलाइट विद हिम, बी हम्बल विद हिम, और धीरे से अपना वो समझा दो कि यार ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है. ये एक अप्रोच ये होती है, बट द पॉइंट इज कि ओवरऑल अप्रोच में हमेशा यू शुड बी हम्बल, ठीक है, बी टफ बट नेवर फॉरगेट टू बी काइंड. ओके, सेकेंडली आप ये बोल सकते हो कि मैं देख रहा हूँ, तो कोई आपसे कुछ बोले कि यार ये कर दो, ये ट्रांसफर कर दो, हाँ मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, बस इतना में आपको ट्रांसफर हो जाएगा इतने में, एक डेढ़ साल में. यार आपको अब याद रखना कि आपका जो काम है, आपको एक रेवोल्यूशनरी नहीं बनना है, आपको सिस्टम के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना है भाई, क्योंकि आप खड़े हो जाओगे सिस्टम के अगेंस्ट, बट जो आप चेंज लाना चाहते हो वो ला ही नहीं पाओगे. ऑब्वियसली वी नीड सच ऑफिसर्स जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हों, वी नीड सच ऑफिसर्स, वाई, बिकॉज उससे हमें पता चलता है कि सिस्टम एक फेलियर क्या है. बट ऑल ऑफिसर्स कैन नॉट बी लाइक दैट. इफ ऑल ऑफिसर्स आर लाइक दैट, सिस्टम विल कोलैप्स. देर शुड बी सम पीपल हु आर लाइक अ बॉल, जो बताने सिस्टम में खराबी है, बाकी लोग जो सिस्टम है उसको चला रहे हैं उसमें जितना बेटर हो सकता है कर लें, और कई लोग हैं जो सिस्टम में बिल्कुल ढल गए. डोंट बी लाइक दैट. इफ समवन प्रेशराइजेस यू, प्यार से मना कर दो इफ यू कैन नॉट डू. दैट्स व्हाट आई लर्नड. मेरे पास एक दो बार फोन आया था कि इस इंजीनियर को यहाँ पे, सब इंजीनियर को ट्रांसफर कर दो वगैरह वगैरह, तो मैंने पहले बोला कि मैं देखता हूँ, फिर आया 15 दिन बाद कि अभी तक देख रहे हो आप, तो मैंने कहा कि नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रीज़न है. आराम से उसको बिठाया, चाय पिलाई, रीज़न बताया, खुश हो गया वो. द पॉइंट इज बी हम्बल, बी काइंड, एंड प्रेशर सबका सारा डील हो जाता है. प्रेशर फ्रॉम सीनियर्स की जो आपने बात करी, सीनियर्स एंड पॉलिटिशियंस अलग अलग टाइप का प्रेशर बनाते हैं. जनरली सीनियर्स विल बिल्ड प्रेशर फॉर अ वर्क टू बी डन. अब जैसे एक स्कीम है वो सही चल रही है, वो बोलेंगे यार इसमें टारगेट अपना मीट करो अच्छे से, तो देयर प्रेशर एक्चुअली आई थिंक काफ़ी वैलिड होता है. तो दे विल बिल्ड प्रेशर ऑन यू जस्ट इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, तो दैट इज अ जस्ट प्रेशर एंड यू हैव टू वर्क फॉर देम. दैट इज अ प्रेशर. अरे ऐसे मत पत्ते खोलो यहाँ पर यार. नहीं मैं ऐसे ही कह रहा हूँ यार. देखो करप्शन में फर्स्ट थिंग इज कि यू योर सेल्फ शुड नॉट बी करप्ट. मैंने एक चीज़ सीखी है, अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया ना यार कि सिस्टम ये करप्ट है, वो करप्ट है, कोई काम नहीं कर रहा, मैं कभी काम नहीं कर पाऊंगा. फर्स्ट थिंग इज यू आर अ लीडर, यू डोंट बी करप्ट. सेकेंड थिंग जो मेरे को लगती है, जो मेरे को कभी भी मैं जो सोचता हूँ कि इंडिविजुअल करप्शन को आपको रोक के कोई फायदा नहीं है. मैं एक को हटा दूंगा इसकी जगह कोई और आएगा, वो आ जाएगा, वो करप्ट होने लग जाएगा. द पॉइंट इज आप सिस्टम एक इंस्टीट्यूशनल चेंजेस कर दो ताकि करप्शन हो ही ना पाए. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन मैं अपने एक साल के टेन्योर में 3 लोगों को हटा दिया, 3 को सस्पेंड कर दिया, 4 को गाली दे दी, 5 को हड़का दिया. इससे कुछ नहीं होगा. इंस्टीट्यूशन में एक ऐसा बिल्ड करूँ कि करप्शन अपने आप हट जाए. फॉर एग्जांपल डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, अब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है दिल्ली में, वहाँ करप्शन अब हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो टू डील विद करप्शन खुद को साफ रखो, और सेकेंडली फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन रादर देन इंडिविजुअल्स. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है. ऑप्शन में देख लो यार आपके पास, जैसे उन्होंने पूछा था पॉपुलैरिटी से क्या करना है आपको यार. पॉपुलैरिटी नहीं, आपके रीडिंग मटेरियल अच्छा होना चाहिए. मटेरियल नहीं है तो देन इट्स अ प्रॉब्लम. मटेरियल तो होना ही चाहिए यार, बिना मटेरियल के आप पढ़ने पाओगे. डोंट टेक अ ऑप्शन जिसमें एन ऑप्शन जिसमें मटेरियल का इशू हो. डोंट टेक दैट ऑप्शन. राइटिंग स्पीड में मैं आंसर राइटिंग में इस पर डिस्कस कर लूँगा. राइटिंग स्पीड यार जिसने नहीं पूछा एक बार आप तो कोई नया यार काफ़ी टफ है जॉब के बैलेंस करना. इट्स बट ऐसा नहीं है जैसे नेहा जैन रैंक 12 थी 2013 में, उन्होंने जॉब के साथ तैयारी करी थी. आपको यार ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है. अगर आप उस टारगेट को मीट कर पा रहे हो, पर डे टारगेट, पर मंथ टारगेट, तैयारी का आप टारगेट बना के पढ़ाई करेंगे ना, अगर आप मीट नहीं कर पा रहे हैं तो इट विल वेरी डिफिकल्ट विद जॉब. अगर आप मीट कर पा रहे हैं तो कंटिन्यू विद योर जॉब. बट इट्स टफ, ऑब्वियसली इट्स टफ. स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है इसमें. फिर यार एनालिटिकल कैपेबिलिटी के लिए आई टेल यू कि आप राज्यसभा टीवी के वीडियो जरूर देखें. न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हैं ठीक है, न्यूज़पेपर डिपेंड्स. अगर आपको तैयार अभी 2 साल बाद आप पेपर दे रहे हैं तो आप आराम से 1.5 घंटा 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. अगर 3 साल बाद दे रहे हैं, अभी अगले साल ही देना न्यूज़पेपर, ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते आप. ठीक है, मेरी ये अप्रोच है. आप न्यूज़पेपर में थोड़ा टाइम लगाइए. एक मंथली मैगजीन जब आप उठाएंगे ना तो आप देखेंगे जो भी न्यूज़पेपर में अच्छी चीज़ें सब कवर हो ही जाती है उसमें. राज्यसभा टीवी जरूर देखिए, आपका एनालिसिस बहुत इंप्रूव होगा. राज्यसभा टीवी के 4-5 चैनल्स हैं, बिग पिक्चर, इंडियाज वर्ल्ड, देश देशांतर,
स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ये चार आप जरूर देखिए, ठीक है। मैं वीडियो की स्पीड डबल करके देखता था ताकि मेरा टाइम बच जाए, तो यूट्यूब में ऑप्शन है, आप उसको डबल कर दीजिए, आधे घंटे का वीडियो 15 मिनट में कवर कर लेंगे। बहुत जरूरी नोट बनाना, नोट बनाना जरूरी है। और इसी बात पे हम आते हैं नोट मेकिंग पे, इसी के साथ, ठीक है। तो नोट मेकिंग में ये चीज़ याद रखिएगा कि बी वेरी वाइज व्हाइल यू मेक नोट्स, डोंट मेक नोट्स ऑफ लक्ष्मीकांत, अदरवाइज यू विल हैव अनदर लक्ष्मीकांत। डोंट मेक नोट्स ऑफ स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी इतनी कंसाइज है, इट डज मैटर। वॉट आई डिड वॉज, अब मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक नोट्स बना सकते हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। बी जो टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड कर रही है उसको यूज़ करते रहो, डोंट बी बिहाइंड प्रिपरेशन, बी यू शुड एक्चुअली बी अ ट्रेंड सेटर। तो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है। मैं उस टाइम नहीं कर पाया था यूज़, बिकॉज मैंने कॉपी नोट्स शुरू कर दिए थे और उस टाइम इतने अच्छे सिर्फ एवर नोट था, आजकल तो बहुत चीज़ें हो गई। मैंने कॉपी बना ली, कॉपी में मैं नोट्स मेकिंग की बात कर रहा हूँ और आपके पॉइंट में भी साथ में आता हूँ। मैं सिर्फ उन चीज़ों मैं नोट मेकिंग में सिर्फ कीवर्ड्स लिखता था, ये याद रखना। हम सबसे बड़ी गलती जो आप लोग भी कर रहे होंगे, आप लोग रिलेट कर पाएंगे, आप पूरा पूरा आर्टिकल उठा के काट के चिपका लेते होंगे, अभी कई लोग होंगे ऐसे, आई एम 100% श्योर। कितने लोग हैं हाथ उठाइए जरा, ये गलती कभी मत करना, आप कभी नहीं पढ़ोगे आर्टिकल वापस, कभी नहीं पढ़ोगे। आपको नोट मेकिंग में सिर्फ कीवर्ड लिखने हैं, ठीक है, सिर्फ कीवर्ड लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है। कि यार ये चीज़ हो गई, अब ये टर्की का लीरा गिरा, इंडिया पे क्यों इफेक्ट आया, भाई चार पाँच पॉइंट है हमने लिख लिए यार, इसलिए इंडिया पे इफेक्ट आया, दैट्स इट। सिर्फ कीवर्ड, ए एन द प्रीपोजिशन लाइन वगैरह कुछ नहीं, अच्छे वर्ड्स ब्यूटीफुल वर्ड्स कुछ नहीं, फ्रेजेस कोटेशंस कुछ नहीं, नोट्स में ओनली कीवर्ड्स, ये याद रखना। मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप रिवाइज करते वक्त आपकी हालत ख़राब हो जाएगी और रिवाइज नहीं कर पाओगे, इतने बड़े बड़े आप नहीं कर पाओगे। सिर्फ कीवर्ड्स लिखो नोट्स में, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि वीडियोस के नोट्स बनाने चाहिए, डेफिनेटली बनाने चाहिए। भाई मैं पूरे नोट्स सिर्फ करंट अफेयर्स के बनाता था, बाकी चीज़ों के नहीं नोट्स बनाता था। भाई रीज़न आपको मैंने बताया कि लक्ष्मीकांत वगैरह के नहीं बना सकते आप, एनसीईआरटी के नोट्स ही बनाता था मैं, एनसीईआरटी बुक में ही नोट्स लिख देता था। जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है मेरे पास, तो आई जस्ट मैं बुक के अंदर ही काट दूंगा जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिख लूँगा बुक के अंदर ही। करंट अफेयर्स में व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपनी कॉपी को इंडेक्सिंग कर दी थी। इंडेक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, GS1, GS2, GS3, GS4, पहले तीन पेज में GS1 का इंडेक्स, इंडेक्स में मेरी 20 पेज मैंने इंडेक्स के लिए छोड़ा था। मैं सारे जो टॉपिक हैं सिलेबस में, जितने भी टॉपिक हैं GS1 में, ये टॉपिक लिख दिया, 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 ठीक है, सारे टॉपिक के नाम लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया ओल्ड एज, एक टॉपिक है मान लो। अब न्यूज़पेपर का आर्टिकल आया, जो भी आया ओल्ड एज पे, ये तो मेरा इंडेक्सिंग हो गया, मैंने पूरी कॉपी में नंबरिंग कर दी 1 से लेके जितने भी पेज हैं। आर्टिकल आया ओल्ड एज का, मैं ये ढूंढूंगा नहीं कि ओल्ड एज का आर्टिकल कहाँ लिखूँ, मैं बस उसको उसी पेज पे लिख दूंगा जो मेरा आखिरी पेज है ना, उसके बाद लिख दूंगा मैं ओल्ड एज के बारे में, ठीक है। मान लो ये पेज नंबर 70 पर है, मैं यहाँ पे बस यहाँ पे इंडेक्सिंग में पेज नंबर 70 लिख दूंगा। फिर मान लो मैं पढ़ रहा हूँ 3-4 महीने बाद, फिर से एक ओल्ड एज पर आर्टिकल आया और मैं तब तक पेज नंबर 130 पे पहुंच गया, मैं फिर से ओल्ड एज के बारे में लिख दिया और यहाँ पे 130 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इससे मैं क्या करूँ, मैं बहुत स्मार्टली ये चीज़ समझ रहा हूँ कि जब मेरे को ओल्ड एज के बारे में पढ़ना है, मैं पेज नंबर 70, पेज नंबर 130, पेज नंबर 200 खोलूँगा और मेरा सब मैं पढ़ लूँगा उसमें अच्छे से। सो दिस इज नोट मेकिंग, किसने पूछा था आपने? सो नोट मेकिंग में मैं इंडेक्सिंग, द पावर ऑफ इंडेक्सिंग शुड बी यूज इन नोट मेकिंग। हर मेरे को कोई भी टॉपिक पढ़ना है, मेरे को वुमेन मान लो पढ़ना है, ठीक है, सारे करंट अफेयर्स, तो मैं सीधे वुमेन पेज नंबर ये, पेज नंबर ये, पेज नंबर खोलूंगा, पढ़ लूंगा, रादर देन द अदर वे अराउंड कि सारे वुमेन वाले टॉपिक को एक साथ रखूँ, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इज़ वेरी इजी, उसमें आप फटाफट एक साथ अरेंज कर सकते हो, बट अगर आप ऐसे करते हैं देन यूज़ दिस। और वीडियोज़ का ये है चक्कर यार कि वीडियोस आपने एक बार देखी, इतना टाइम नहीं है कि बार बार वीडियो देखो। हर वीडियो में 4-5 चीज़ें आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो वीडियो आ रहा है आपका, अभी कुछ रीसेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक बताओ कुछ यार, चलो रुपी डिक्लाइन ले लिया हमने, ठीक है, एक आपका GS3 के अंदर आ गया, भाई रुपी डिक्लाइन के क्या क्या रीज़न है, ठीक है। अब उसकी वीडियो चल रही है आपकी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में, या फिर इंडियाज वर्ल्ड में चल रही है, देश देशांतर में चल रही है, 4-5 अच्छे पॉइंट आएंगे उठ के, ठीक है। आपको क्या है, रिवीजन अपना मोस्ट सूटेबल बनाना है। मैं आई कैन गारंटी दिस कि अगर आपने आज वीडियो देखी, आप भूल लोगे उसको 1.5 साल बाद या 1 साल बाद, 6 महीने बाद, क्योंकि आप इतनी चीज़ें पढ़ोगे। आपने GS3 में एक ऐसी आपने इंडियन इकोनॉमी का जो हेडिंग डाली आपने, और पेज नंबर 5 पे लिखा होगा आपने, पेज नंबर 5 में रुपी डिक्लाइन के 3-4 पॉइंट जो मेन आपको वीडियो से मिले वो लिख लिया आपने यहीं पर, यू वोंट बी एबल टू सी द वीडियोज अगेन ड्यूरिंग रिविजन। उसकी नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और देख लो यार, मतलब आई विल सजेस्ट कि अगर तुम 2019 में पेपर दे रहे हो तो एक दिन बैठो, एक दिन बैठ के अपने 5-6 घंटे दो, 5-6 घंटे में तुम्हारे कितने वीडियो हो सकते हैं, तुम 1 घंटे में 4 वीडियो देख सकते हो, आधे घंटे का एक वीडियो होता है, डबल स्पीड से देखो, 15 मिनट में एक वीडियो कम्प्लीट हो जाएगा, 1 घंटे में 4 वीडियो कम्प्लीट हो जाएंगे, 6 घंटे में 24 वीडियो कम्प्लीट हो जाएंगे, 24 वीडियो मतलब काफ़ी लंबा टाइम का वीडियो तुमने निपटा लिया। तो 3-4 दिन बैठो, सारे कवर कर लो, पिछले 1.5 साल के तो कर ही लो, आ जाएगी
अच्छे से आ जाएगी उससे। नहीं देखो बिग, ये जो मैंने 500 में बताया है ना, इसके तो तुम सारे वीडियो देखो जो भी आ रहे हैं, क्योंकि इसमें टॉपिक ऑलरेडी चूजन टॉपिक पे बनाते हैं ये लोग। आप देखोगे खुद आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छे वीडियोज होते हैं सारे। यार ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा आप कर पाओगे कुछ, आप तो पूरी चीज़ रिवाइज करोगे। स्टैटिक में ये है कि यार पॉलिटी जैसे लक्ष्मीकांत है, आप 5-6 बार रिवाइज करनी पड़ेगी आपको, हिस्ट्री आपको रिवाइज करने की 5-6 बार। बट आई कैन नॉट टेल दिस कि स्टैटिक पे ज़्यादा टाइम दो। द ओनली थिंग दैट आई कैन से इज कि स्टैटिक पार्ट पहले करो, डायनेमिक पार्ट बाद में करो, क्योंकि डायनेमिक पार्ट विल कीप ऑन चेंजिंग, तो दैट शुड बी लेटेस्ट। टाइम डिविजन इज नॉट पॉसिबल एज फॉर मी। हाँ प्रीलिम्स स्पेसिफिक इसमें डाल सकते हो, डाल दो इसमें। यार अलग आप बहुत मुश्किल है डिफरेंशिएट करना। प्रीलिम्स और मेंस में आप चीज़ें तो सेम ही पढ़ोगे, द पॉइंट इज कि प्रीलिम्स में आपके अंदर की प्रोसेसिंग अलग होगी, मेंस में आपकी एनालिटिकल प्रोसेसिंग होगी, प्रीलिम्स में आपकी रिटेंटिव प्रोसेसिंग होगी। आप एक ही जगह लिख दो, अपना टाइम इतना मत वेस्ट करो। जब आप रिवाइज करोगे अपनी कॉपी उठाना करंट अफेयर्स की, कोशिश करना छोटी राइटिंग में लिखो, ज़्यादा मोटी कॉपियाँ नहीं होनी चाहिए आपकी। एंड कोशिश करना ब्लैंक पेज वाली कॉपी में लिखो, रूल वाली मत लिखो भाई, क्योंकि आपको जब पेपर लिखना है तो आप ब्लैंक पेज पर लिखोगे पेपर, तो अलग से मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। You won't be able to differentiate कि prelims का कौन सा टॉपिक है, mains का कौन सा टॉपिक है at times। जिसका कुछ आया नहीं है मतलब, यार नहीं हुआ है तो अब क्या करें फिर। लेकिन उस पर क्वेश्चन ही नहीं आएगा अगर इतना अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि न्यूज़पेपर वाले तक नहीं देख रहे हैं उसको, तो आप क्यों खोद रहे हैं उस चीज़ का, जाने दीजिए। मैथ्स ऑप्शनल के लिए क्या क्वेश्चन नहीं समझ पा, सजेशन लास्ट 15 साल के सारे क्वेश्चन कर लो, IMS के टेस्ट सीरीज फॉलो कर लो, IMS के नोट्स ले लो, और IMS के पिछले 15 साल की सारी टेस्ट सीरीज कर लो। पिछले नहीं, 15 साल से तो है ही नहीं, पिछले 10 साल की सारी टेस्ट सीरीज कर लो। मैंने ये करा था मैथ्स ऑप्शनल की, या स्टैंडर्ड बुक्स आपको, मैथ्स ऑप्शनल है आपका, स्टैंडर्ड बुक्स आपको गूगल करो, आपका राज पुरोहित सर का ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग है, मैंने भी उसमें बुक्स लिखी हुई है, मैंने एक्चुअली उन्हीं के ब्लॉग का लिंक डाला हुआ है, आपको सारी बुक्स मिल जाएगी उसमें। हाँ मैथ्स में तो क्वेश्चन ही है, थियोरेटिकल तो ऐसा थ्योरम्स का प्रूफ देख लेना, इंपॉर्टेंट होता है वो भी। एक यहाँ से पहले पूछ रहे थे यार, मैथमेटिक्स ऑप्शनल के नोट्स, वेरी गुड क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में मैंने तीन तरह के नोट्स बनाए थे। पहले नोट्स वर फॉर्मूले के नोट्स, याद रखना नोट में कि हमेशा जितनी छोटी राइटिंग में लिख सकते हो उतनी छोटी राइटिंग में लिखना, नहीं तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी कॉपी उठाते उठाते ही। छोटी राइटिंग में लिखोगे तो आपकी एक कॉपी में सबको समा जाएगा। पहला मैंने बनाया था फॉर्मूलाज के नोट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकेंड बनाया था ट्रिक्स के नोट्स, ठीक है। ट्रिक्स के नोट्स इन द सेंस कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से सोच सकता हूँ, ठीक है। कई तो फॉर्मूला होते हैं, कई ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इसको कैसे सोचना है वगैरह, क्या डायरेक्शन देना है ब्रेन को, उसके मैंने नोट्स बना लिए थे। और वो जो आप टेस्ट दोगे, यार मैंने बहुत टेस्ट दिए थे मैथ्स के, यार बहुत टेस्ट दिए थे, तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा कैसे आपको नोट्स बनाने। एंड द थर्ड थिंग इज GS टाइप नोट्स, ऐसे क्वेश्चन जिनका सिर पैर नहीं लगता था मेरे को, तो उनको रट लेता था मैं, ठीक है। अगर पेपर में आएगा तो मैं रट के कर दूंगा इन क्वेश्चन को, तो उन उसकी तो मैं कॉपी ऐसे उठाई, अपने दोस्त को बोला क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है मैथ्स के, उसने पूरा मेरे को स्टेप बता दिए पूरे कैसे लिखना है। तीन तरह के नोट्स बनाए थे मैथ्स में मैंने, और इसी में मैंने ट्रिक्स वाले में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी नोट्स बनाए थे। पहले लोग सोचते हैं कि हम बुक्स में मार्क कर देंगे और बुक बना पढ़ लेंगे, मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक जगह लिख लिया था, भले टाइम ज़्यादा लगे पर रिविजन ईजी हो जाएगा। सही बात है, इसमें टेस्ट दो यार, ये तो होता ही होता है, टेस्ट देते रहो बस। नहीं नहीं यार, डोंट बी बॉक्ड डाउन विद दिस, होता है यार ये सब, क्या होता है, वेरी ट्रू। आप लोग भी सब जब, ये तो काफ़ी अभी तो इन्होंने मेंस भी लिखा हुआ है ना, आप और एक वहाँ पे हाथ उठाया था, तो आप लोगों को भी रियलाइज होगा कि आप लोगों को बार बार लगेगा यार मैंने ये नहीं करा, इस साइट पे इतना सारा मटेरियल मैंने ये नहीं करा। हैव कॉन्फिडेंस, जो आपका पॉइंट था, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस कि जो आपने करा इट्स गुड, बाकी अगर इसके बाहर आ गया तब भी हम लिख देंगे। और वो कैसे आएगा, आंसर राइटिंग से, जस्ट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, दैट्स इट, जस्ट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग आंख बंद करके। बिल्कुल मत डरना कि यार मेरे टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहे हैं, कुछ नहीं होता,
कि यार इस टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं होता। बस आप आंसर लिखते रहो और जो बुक्स हैं आपको सब ऑनलाइन मिल जाएगी, अच्छी बुक्स कौन सी हैं, ठीक है, वो बुक उठाई आपने अच्छी बुक और वो आपने कर ली। डोंट बी बॉक्ड डाउन यार, इतना मटेरियल है, कोई सिलेबस ही डिफाइंड नहीं है यूपीएससी का, आप जहाँ देखोगे आपको ज़्यादा मटेरियल मिलेगा। ओवर एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं, एनालाइज कर करके पैरालाइज हो जाते हैं। कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी यार यही है कि देखो कोचिंग में कई चीज़ें मेरे को लगती है कि टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो रहा था, जैसे बायो वायो बहुत पढ़ा देते हैं वगैरह वगैरह, तो वो सब आप अवॉइड करना। बाकी कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी यही है, जो कोचिंग में आपको पढ़ा रहे हैं आप उस चीज़ को रिवाइज कर लो। मतलब वो देखो यार, हर कोचिंग में अलग अलग पढ़ाने का तरीका है, मैं बहुत मुश्किल है बताऊँ कि उसके साथ कैसे पढ़ो। आस्क योर टीचर, आस्क योर गाइड कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और आपको घर पर क्या कवर करना चाहिए उसके साथ साथ। पर कोचिंग के साथ साथ आंसर राइटिंग तो आप अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर लो। कोचिंग अगर यहाँ से टॉपिक शुरू कर रही है तो नीचे वाले टॉपिक्स खुद पढ़ना शुरू कर दो ताकि आपका टाइम बच जाए, या फिर आपको लग रहा है जो टॉपिक कोचिंग ने पढ़ाया इतना अच्छा नहीं पढ़ाया वो खुद पढ़ लो। क्वाइट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसमें मतलब एक आंसर नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का। अपनी पढ़ाई साथ साथ जारी रखो, बस मैं ये कहूँगा। कोचिंग का जो हो रहा है वो तो पढ़ते रहो, वो ज्ञान लेते रहो, अपनी पढ़ाई पहले ही साथ रखो और अपना टारगेट जरूर सेट कर लो यार। अगर हवा में सोचोगे ना कि बाद में मैं कर लूँगा, नहीं हो पाएगा। अब तक आपको आपकी पेस पता चल रही होगी, पता चल गई होगी कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। टारगेट सेट कर लो अपना कि मैं इस मंथ के एंड तक ये करूँगा, दो महीने के एंड तक ये करूँगा एक्सेट्रा। नोट मेकिंग में बहुत ध्यान देना, ये मैं हमेशा, मैंने जो भी नोट्स बनाए थे मैं ये सोचता था कि मेरे को एग्ज़ाम में एक हफ्ते में सब कुछ रिवाइज करना है, तो मैं ऐसे नोट्स बनाऊँ कि मैं एक हफ्ते में वो पढ़ पाऊँ, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाओगे, सब कुछ आपका एकदम माइंड वो हो जाएगा। और आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में बस चार पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं आपको, ठीक है। एक कमिटीज़ की लिस्ट बना देना, हर क्वेश्चन में एक कमेटी का नाम डाल देना, कमेटी के रिकमेंडेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस से कुछ भी लिख देना रिकमेंडेशन। मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपको, बिकॉज कमेटी आपको एकदम कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स ही बताएगी आपको। यू शुड जस्ट नो द नेम ऑफ दैट कमेटी। और एक वेंकट छलिया कमेटी है अगर आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो, उसने तो हर चीज़ के ऊपर रिकमेंडेशन दिया हुआ है, तो मेरे को किसी कमेटी का नाम याद नहीं आता तो मैं लिख देता वेंकट छलिया कमेटी रिकमेंडेटेड दिस। सो कॉमन सेंस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नोट मेकिंग में बी वेरी इंटेलिजेंट, नोट मेकिंग विल हेल्प यू अलॉट कहाँ पे क्या लिखना है। मोस्टली यार इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बिकॉज मैं हर टॉपिक को आपको बताऊंगा तो मैं आपको अच्छे से बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज आप सिद्धार्थ जैन मृणाल ये डाल देना आप उस पर गूगल पे, तो मृणाल पे मैंने एक अपना इंटरव्यू डाला हुआ है, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ा, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ा, तो आपको पता चल जाएगा, तो यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेरीज। हाउ टू इंक्रीज स्पीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन दिस, बिकॉज जब आप टेस्ट सीरीज देना शुरू करेंगे मेन्स की, आपको पता चलेगा आप कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीट होगा ही नहीं पेपर, ठीक है। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूज अ पेन जिसका जो आपकी राइटिंग स्पीड में हेल्प करे। मैं V5 यूज़ करता था, वो इसलिए फ़ायदा करता है बिकॉज पेन और पेपर के बीच में एक फ्रिक्शन होता है जो आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बट जब आप पेपर लिखेंगे तो अगर फ्रिक्शन कम होगा तो आपका तकरीबन 3 घंटे के स्पैन में एक क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाएगा अपने आप, यू विल रियलाइज दिस। आप एक कोई बॉल पेन उठाइए जो थोड़ा भारी हो या जिसका फ्रिक्शन ज़्यादा हो, आप देखिएगा आप 16-17 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, पर आपने एक बहुत ही फ्लुएंट पेन ले लिया तो इट विल योर। मैं सिर्फ उस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग में स्पीड कैसे बढ़ाएं, ओनली दैट, नॉट क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। तो मैं V5 यूज़ करता था, आई विल सजेस्ट इट्स अ वेरी गुड पेन यार, और शुरुआत में थोड़ा भारी लगता है पर अगर आपका इससे हाथ जम जाएगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। मेरी तो बहुत स्पीड बढ़ी थी पर्सनली, मैंने करीबन 15-20 पेन ट्राई करे थे अलग अलग, फाइनली जाके मैं इस पर अराइव करा था कि इट्स अ गुड पेन। सेकेंडली आंसर राइटिंग में आपका कंप्लीट करने के लिए लोग दो तरह के अप्रोच लेते हैं। पहली अप्रोच वो देखते हैं कि यार 20 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन मान लेते हैं 3 घंटे के हिसाब से, तो हर घंटे में 7 क्वेश्चन करूंगा मैं पेपर लिखते वक्त, तो मेरे 3 घंटे में 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मैं इस स्ट्रेटेजी को सही नहीं मानता इतनी, बिकॉज अगर आप पर आर वाइज अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइड करोगे तो 1 घंटे बाद आपके पास इतना स्कोप ही नहीं है कि आप कवर कर पाओ। मान लो 2 घंटे में आपके सिर्फ 12 क्वेश्चन हुए तो अब अगले 1 घंटे में 8 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मैं पर क्वेश्चन टाइम नोटिंग स्ट्रेटेजी मैंने खुद मतलब प्रैक्टिस कर करके मेरी निकली थी, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप वो फॉलो करिए। जैसे 9 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मान लो कि 20 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, पर क्वेश्चन कितना मिनट हुआ, 9 मिनट्स। सी सेट हट गया है GS2 का तो बिल्कुल फंडे, मैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के सब भूल गए हैं, 9 मिनट होंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है।
तो 9 बजे स्टार्ट करा मैंने पेपर, ठीक है. पहला क्वेश्चन जब खत्म हुआ, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, मैंने टाइम देखा, 9:10 मान लो 10 मिनट हो रहे हैं, मान लो, ठीक है. तो जस्ट व्हेन आई स्टार्ट क्वेश्चन टू, व्हाट आई विल राइट 9:10 साइड में और -1, मतलब मैं 1 मिनट पीछे चल रहा हूँ, ठीक है. पहले क्वेश्चन का मैं दूसरे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैं ये लिख लूंगा, ठीक है. अब मेरे पास इस क्वेश्चन को खत्म करने के लिए 9 मिनट नहीं है, 8 मिनट है, क्योंकि मैं 1 मिनट पीछे चल रहा हूँ, ठीक है. इन एनी केस मान लो कि मैं इस क्वेश्चन को भी नहीं कवर कर पाया, मान लो मेरे 9:20 पर खत्म हुआ, मैंने यहाँ पे 10 मिनट ले लिए, ठीक है, मतलब 9 मिनट लेने चाहिए थे वैसे, मतलब इन जनरल हर क्वेश्चन में 9 मिनट लेने चाहिए थे, 10 मिनट ले लिया मैं, कितने पे आ गया, -2 पर आ गया, है ना. यहाँ पे भी 10 मिनट ले लिया, यहाँ पे भी 10 मिनट ले लिया, -2 पर आ गया मैं. अब जैसे मान लो कि मैं क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुँचा हूँ, मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करूँगा कवर कर लूँ, याद रखना. मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ, एवरी क्वेश्चन आई एम ट्राइंग. अब मैं क्वेश्चन 14 में पहुँचा, मैं -3 तक चले गया, -5 तक चले गया मान लो, ठीक है. अब मेरे को पता है कि अगर मैं -9 को पार कर लिया मैंने, तो मैं एक क्वेश्चन पीछे छूट जाएगा, आई नो दैट डेडलाइन. अब मैं जैसे ही क्वेश्चन 15 में गया, मैंने कहा यार अब गड़बड़ हो गई, अब कुछ करना पड़ेगा, अब फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा. तो अब फ्लो चार्ट बना दूंगा बड़ा सा, ताकि कम लिखना पड़े मेरे को. बड़ा कर दिया, फ्लो चार्ट बढ़ा दिया, लिखना कम कर दिया, मैंने इसको कवर करना शुरू करा. अब मैं आ गया -2 पे, ठीक है, मान लो 3 मिनट कवर कर लिया मैंने, मान लो 6 मिनट में आंसर कर दिया. क्वेश्चन नंबर 16 पे गया मैं, और हर बार मैं टाइम लिख रहा हूँ, 9:20 मान लो यहाँ पे हुआ है, 9:40. यू हैव टू राइट टाइम ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, तभी आपको याद रहेगा. नहीं तो जब आप यहाँ पर जाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने किस टाइम पे शुरू करा था, माइनस ही नहीं कर पाएंगे. यू हैव टू राइट दिस एंड दिस ऑलवेज. और फिर क्वेश्चन 16 पे गया, मान लो मैंने कवर कर लिया, तो यहाँ पे मान लो कि 9:50 हुए थे, मैं -2 चल रहा हूँ, ठीक है, पर क्वेश्चन 9 मिनट्स ले सकता हूँ, तो मेरे को अब 7 मिनट में कंप्लीट करना है. तो मैंने मान लो 9:57 पे कंप्लीट कर लिया, +0 आ गया, मैं खुश एकदम, सब सेट पे आ गया पेपर. बाकी 3-4 क्वेश्चन है, अब मैं कर सकता हूँ. ये स्ट्रेटजी बहुत मतलब एक्सपेरिमेंट्स कर करके निकाली मैंने, बट दिस एक्चुअली वर्क्स वंडर्स इफ़ यू कैन डू दिस. पर ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी. मेरा कभी पेपर नहीं छूटा, एक एथिक्स का पेपर छूट गया था, वाई बिकॉज उसमें मैं ये लिखना भूल गया था, तो मैं आगे का जो टाइम कैलकुलेट करना होता है वो गलत कर लिया मैंने कैलकुलेट, तो मेरा 40 नंबर का छूट गया था मेरे जिस सेंटर में सिलेक्शन हुआ है, सिर्फ उस बार. बाकी मेरे कभी टेस्ट सीरीज में किसी में नहीं छूटता था, जब भी मैं यूज़ करता था ये स्ट्रेटजी. नहीं, ये प्रेफरेंस तो है ही नहीं कुछ तुम्हारी. पहला क्वेश्चन से शुरू करो, 20 क्वेश्चन तक निपटा दो, बीच में कुछ आया या नहीं है लिख दो उसको. इतना तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है कि तुम क्वेश्चन पढ़ो. ये रियलाइज करोगे, अभी पेपर नहीं दिया ना अभी टेस्ट सीरीज का, अभी ये रियलाइज करोगे ये चीज़. हम लोग शुरुआत में यही करते हैं कि जैसे बोर्ड एग्जाम में नहीं करते थे, मम्मी बताती थी कि बेटा देख सबसे पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं, फटाफट हो जाएंगे, उसके बाद पेपर पढ़ लेना, जो भी अच्छे लगे पहले वो कर देना. इसमें वो चलेगा ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं है. तुम भूल जाओगे कि तुमने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा हुआ है, ठीक है, तुम क्वेश्चन पेपर में मार्क नहीं करा तुमने और कर भी नहीं पाओगे, इतना टाइम भी नहीं होता, तुम भूल ही जाओगे क्वेश्चन नंबर 3 छूटा हुआ है, और तुम्हारा वो छूटा ही रह जाएगा. फिर फर्स्ट क्वेश्चन से करो, क्योंकि और ये स्ट्रेटजी बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर तुम ऐसे करोगे. फर्स्ट क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लो सीधे, विदाउट लीविंग अ क्वेश्चन, विदाउट ट्राइंग टू जज कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा आता है कौन सा बुरा आता है. जस्ट डू दिस. जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से नहीं आता, मान लो तुम -5 पे चल रहे हो, जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से नहीं आता, तो उसमें तुमने सोचा कि यार इतना अच्छे से आता नहीं है, मैं यहाँ पे टाइम कवर कर लूँगा, तो 4 मिनट में उसको निपटा दो, रादर देन लीविंग इट फॉर एंड, यहीं पे 4 मिनट में उसको निपटा दो, ठीक है. नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग, और कुछ दुविधाएं? लैंग्वेज लिखने के लिए, लैंग्वेज में बस याद रखना, ब्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेविटी मतलब, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, ब्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि एक चीज को एक्सप्लेन करने में अगर आपको 15 वर्ड्स लग रहे हैं और इनको 5 वर्ड्स लग रहे हैं, तो शी इज मोर केपेबल इफ शी कैन डू दैट. तो उसके लिए मैं वही कह रहा हूँ, जब आप नोट मेकिंग करोगे ना, तब आप लैंग्वेज के नोट्स मत बनाओ, लैंग्वेज आप सीखोगे पढ़ते पढ़ते सीखोगे, दैट वुड बी इन योर माइंड, ठीक है. तो आइडिया लैंग्वेज इज जस्ट कि ब्रेविटी होनी चाहिए आपके, वो वोकेबलरी होनी चाहिए जो आपका टाइम बचाए. वोकेबलरी शुड नॉट बी यूज टू इम्प्रेस बट टू सेव योर ओन टाइम. एक चीज आप 10 वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हो और एक ही का टेक्निकल वर्ड आपको बताओ, तो आपका वो 10 वर्ड्स का टाइम बच जाएगा. दिस इज योर आइडियल लैंग्वेज. इट कैन हेल्प यू बट इट्स अ वेरी, इफ यू आर वेरी गुड एट कोटेशंस, इफ यू आर वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, इट कैन हेल्प यू. आई वॉज अ बिट टेक्निकल इन माई अप्रोच, मैं ज़्यादा कोटेशंस नहीं मेरे को आती थी, और कोटेशन लिख रहे हो तो यू शुड बी वेरी एक्यूरेट, यू शुड बी टू द पॉइंट, ये सब बहुत रिस्क रहता है. बट द पॉइंट इज, आप इतना समझ गए कि अगर आप बहुत अच्छे हो तो आप लिख सकते हो, बट द क्वेश्चन इन योर माइंड इज आर यू हैव टू बी वर्बेटिम करेक्ट और यू विल पैराफ्रेज इट.
सेकेंडली इट शुड बी एक्जैक्टली टू द पॉइंट टू द टॉपिक एंड थर्डली अगर आप कोटेशन में बहुत ज्यादा फोकस करते हो इट शुड कम विद द फ्लो अगर आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो तो यू टेंड टू चूज द टॉपिक जिसमें आपको लगता है कोटेशन ज्यादा आती है नेवर डू दिस टॉपिक चूज करते हो कभी कोटेशन को मन में मत रखो नो नो नॉट एट ऑल मैंने कोई कोटेशन लिखी मैंने पहले अटेम्प्ट में कोटेशन लिखी थी और इतनी घटिया कोटेशन लिखी थी कि मेरे बहुत कम नंबर आए थे क्योंकि एग्जैक्टली टू द पॉइंट कोटेशन मिलना बहुत मुश्किल है मतलब दिक्कत देखो यार तुम्हें बस कन्वीनियंट बनाना है पेपर चेकर के लिए कि तुम्हारी कॉपी देखे तो उसको मजा आ जाएगी यार बड़ा कन्वीनियंटली चेक हो गया तो अगर आप चार पांच लाइन में एक पॉइंट लिख रहे हो तो सेंटेंस ही बड़ा कंबरसम हो सकता है आप उसको एक्सप्रेस करते हुए 10 एंड जोड़ दोगे उसमें 5 कॉमा लगा दोगे बड़े सेंटेंस मत लिखो छोटे सेंटेंस आपके पास टाइम ही नहीं होगा यार बड़े सेंटेंस लिखने का ए एन द प्रपोजिशन वगैरह सब भूल जाओगे पेपर में अब बस कीवर्ड लिखोगे और 3-4 वर्ड लिखोगे उसके आगे ये आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना आपको अपने में रिलाइज हो जाएगा अच्छा तो उसमें आपको ये लग रहा होगा कि बहुत लंबे सेंटेंस लिख रहे हो तो पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा होगा फोकस ऑन कीवर्ड्स स्मॉल सेंटेंसेस माय सजेशन अब यार फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे अपनी नॉलेज लेवल बढ़ानी पड़ेगी डाइवर्सिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी अब यार देखो वो इट इज नॉट बिकॉज यू आर राइटिंग स्मॉल वर्ड्स आप 250 वर्ड फुलफिल करने की वजह से जबरदस्ती लंबे सेंटेंस मत लिखो अब अपने पॉइंट्स अगर आपके और हैं तो आप लिख दो हाँ 220 230 240 काफ़ी है नहीं मत लिखो ज़्यादा लंबे में एक पॉइंट को उसी पॉइंट को रिपीट कर देना 5-6 पॉइंट के बाद कोई दिक्कत नहीं है पर छोटे छोटे पॉइंट लिखो ठीक है 250 वर्ड नहीं हो 220 वर्ड तक लिख दो कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपर ब्लफ करो यार मतलब बिल्कुल ही ऐसे ब्लफ मत कर देना कि सामने वाला दिमाग खराब हो जाए ये क्या लिख दिया इसने देखो मैंने वही बताया कमिटीज के नाम तुम्हें याद है नाम याद करें ना हर टॉपिक में कौन सी कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन बाय कॉमन सेंस जो तुम सोचोगे वो होगी ही होगी उस कमेटी में बाय कॉमन सेंस होगी ही होगी दैट यू कैन ब्लफ बिल्कुल रैंडम ब्लफ कर दिया कि यार पता नहीं यार देखो मुश्किल हो सकता है गड़बड़ हो सकती है ये लिख अब फैक्चुअली तुम अगर गलत लिख दो कि WHO ने कहा है कि इंडिया को इतना कम कर लेना चाहिए फैक्चुअली तुमने लिखा कुछ ऐसा और वो एकदम गलत सलत था अब ये लिख सकते हो WHO ने इंडिया को हेल्थ में ये रिकमेंडेशन दी है कॉमन सेंस अगर जो तुम्हें सही लगे तो बिल्कुल ही रैंडम लिख दो कि WHO ने इंडिया की इकोनॉमिक्स पे ये कहा है तो कहेगा यार ये एक नया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का विंग खुल गया वो आपको थोड़ा विद सेंस विद सेंसिबिलिटी विद नॉलेज आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए फैक्चुअली करेक्ट होना आपसे कोई डिमांड नहीं करता इसके अंदर वो तो कंप्यूटर भी फैक्चुअली करेक्ट हो सकता है यू हैव टू एनालाइज आप में और मशीन में ही तो फर्क रहेगा नहीं नहीं वो अपने आप बीच में आएगा ये चीज़ देखेंगे कि जब आंसर लिखेंगे ना आपको अपने आप पॉइंट्स आपके अंदर से आएंगे टाइम ही नहीं मिलेगा यार तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने का मैं तो मतलब जनरली जो भी आपके टॉपर्स वगैरह होंगे क्वेश्चन देखा स्ट्रक्चर बस इतना होना चाहिए कि पहले क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन को डिफाइन करा इतना स्ट्रक्चर बस उसके अंदर क्या लिखना है वो नहीं उसको डिफाइन करेंगे थोड़ा समझाएंगे ठीक है एथिक्स का एक अलग स्ट्रक्चर होता है जनरली और बाकी 3 पेपर्स का ये होता है डिफाइन करा आपने थोड़ा सा रिकमेंडेशन वगैरह जो क्वेश्चन ने बोला और आखिरी में एक फ्यूचर कुछ आर्ग्यूमेंट देना हो या कुछ पॉइंट इतना स्ट्रक्चर होना चाहिए बाकी तो आपको जो मेन बॉडी के अंदर लिखना है उसका स्ट्रक्चर मत सोचो उसका तो आपको दिमाग में अपने आप विद टाइम आ जाएगा एट मैक्स ये स्ट्रक्चर सोच सकते हो कि सोशल एंगल पॉलिटिकल एंगल इकोनॉमिक एंगल एनवायरमेंटल एंगल लिखूंगा उससे ज़्यादा आप नहीं सोच पाओगे हर टॉपिक पे एथिक्स का जो आप पेपर करेंगे तो हर टॉपिक के एग्जांपल्स आप पहले से कॉपी में बना लें कि अच्छा लॉ एंड एथिक्स में अगर कुछ फ़र्क है कहीं पर कि मेरे को लॉ चूज़ करना चाहिए एथिक्स नहीं चूज़ करना चाहिए समथिंग विच इज़ लीगल बट नॉट एथिकल इस तरह की बहुत चीज़ें होंगी हर टॉपिक के आप एग्जांपल पहले से बना के रख लो मैंने सारे टॉपिक के एक एक एग्जांपल बना के रख लिए थे मैं जरूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर बनाओ आप रामायण महाभारत के भी एग्जांपल लिख सकते हो बहुत सारे भाई महाभारत तो पूरा एथिकल डिलेमा में बेस्ड है मैंने बहुत सारे एग्जांपल उठाए थे वहाँ के ऐसा जरूरी नहीं है कि करंट के एग्जांपल लिखो आप बट जनरली आप ब्यूरोक्रेट्स के एग्जांपल लिखोगे तो अच्छा लगेगा बट दैट डजंट मीन इट शुड बी करंट इट शुड बी ऐसे एग्जांपल लिखो जो सामने वाला रिलेट कर पाए एकदम करंट का जरूरी नहीं है कि वो बंदा इतना करंट अफेयर्स पढ़ रहा हो कि आपका एथिक्स का एग्जांपल समझ जाए आप श्रीधरन का एग्जांपल लिखेंगे डेली मेट्रो में डिसिप्लिन वगैरह तो समझ जाएगा भले वो करंट नहीं है बट ही विल अंडरस्टैंड इट अब समझो ना हर एक की रिक्वायरमेंट ये कि आपको एग्जामिनर को अपील करना है
अब थोड़ा सा और बस ले लेते हैं 5-10 मिनट यार, फिर यार कंक्लूजन में क्या होना चाहिए? ठीक है, एक और कोई यहाँ पे करंट अफेयर मैगजीन जनरली कवर्स ऑल, ज़्यादा टाइम मत दो न्यूज़पेपर या डेली नोट बनाने का, अगर कुछ बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही एनालिसिस अच्छा लगे तो लिख दो उसको, डोंट वेस्ट टू मच टाइम। मैं तो यार इस पर ही करता रहा है कि करंट अफेयर मैगजीन इतनी मेहनत कर रही है, मैं क्यों मेहनत करूँ, उन्हीं की मेहनत को मैं यूज़ कर लेता था। तो आई एक्चुअली न्यूज़पेपर अपने एनालिसिस एक्सप्रेशन स्किल्स के लिए पढ़ता था, नोट्स के लिए मैं मंथली मैगजीन उठाई उसी से नोट्स बना लिए, और न्यूज़पेपर में कुछ बहुत अच्छा लिखा तो लिख लिया, ये करता था। कंक्लूजन में आपको जनरली कोई एक कमेटी वगैरह का नाम लिखता था मैं, रिकमेंडेशन होती है कमेटी इसकी, मैं लिखता था ये कमेटी ने ये रिकमेंड करा है, अपनी रिकमेंडेशन नहीं देता था मैं, अपना को नहीं दिखाता था कि मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, कमेटी ने ये ज्ञान दिया है ये होना चाहिए, पॉजिटिव जनरली पॉजिटिव रखना अपना कंक्लूजन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप, यार देखो रिवाइज करने के लिए तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा तभी तुम्हें याद होगा, पॉलिटी तुमने पढ़ ली 3 बार पढ़ ली, उसके बाद 5 टेस्ट दे दो पॉलिटी का, तुम्हें सब याद हो जाएगा। अगर फ्रेंड सर्कल है दैट्स अ बेस्ट थिंग, आप उस फ्रेंड सर्कल बैठो सब, आज एक डेट बना लिया हमने, नहीं है तो बना लो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल, आप लाइब्रेरी जाते हो गए, कोचिंग जाते हो गए, या फिर राजेंद्र में पोहे तो खाते ही हो गए, फ्रेंड सर्कल बन जाएगा आपका, उनको बिठाओ और बोलो कि हम इस दिन पॉलिटी रिवाइज करेंगे, 5 लोग बैठे एक दूसरे से पूछा, एक एक चैप्टर उठाया, एवरीथिंग विल बी रिवाइज। हमेशा याद रखना जो चीज़ आप सुन लोगे ना वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी याद होगी, और जो चीज़ आप देख लोगे वो तो बहुत ही अच्छी याद होगी। तो इन अ सर्कल फ्रेंड सर्कल 5-6 लोग बैठे डिस्कस किया चीज़ें मिल भी, हम लोग यही करते थे, हमने हफ्ते में 10 ये डिसाइड कर लिया इस तारीख को हम लोग पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री डिसाइड कर रिवाइज करेंगे, तो हम सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे से वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पूछते रहते थे एक एक टॉपिक, तो चीज़ें बहुत अच्छी याद हो जाती थी, ऐसी पॉलिटी ज्योग्राफी सबके लिए, दिस इज हाउ यू रिवाइज, और कोई तरीका नहीं है। लास्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दो हाथ उड़ गए, दो लेने पड़ेंगे, पर ये 2 ही हैं फाइनल। यार देखो सिंपल सी चीज़ है कि आप एग्जामिनर को तो पता नहीं है आपने कोचिंग लिया या वो करी, आप एट द एंड तो ये नहीं लिखोगे ना क्रेडिट गोज टू विजन IAS, ठीक है, UPSC में तो वो आपकी कंटेंट देखेगा। अब मैंने कोचिंग लगाई थी सिर्फ अपनी टेस्ट सीरीज, मतलब सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाई थी मैंने इंप्रूव करने के लिए, बिकॉज आई हैड अ गुड ग्रुप। नाउ व्हेन यू आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन और यू आर इन द जर्नी, आपको 2-3 चीज़ें चाहिए, एक आपको डायरेक्शन चाहिए, एक आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, और एक आपको इवैल्यूएशन चाहिए। डायरेक्शन अगर आप खुद से नहीं ले पा रहे हो, आपके पास कोई मेंटर नहीं है और आप बिल्कुल खुद से नहीं ले पा रहे हो, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है UPSC वाला, देन ऑब्वियसली यू नीड आइदर अ गुड कोचिंग और अ गुड फ्रेंड सर्कल जो आपको बता पाए। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग आप कोचिंग ज्वाइन करो उस टाइम। तो सेल्फ स्टडी और कोचिंग का बस ये फर्क है, आप ये देखो कि कोचिंग आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है और सेल्फ स्टडी से क्या आप उस चीज़ की पूर्ति कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर आप उस चीज़ को पूर्ति कर पा रहे हो तो आप कर सकते हो, यार अर्जुन बनो या एकलव्य बनो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, दोनों के पास स्किल्स तो सेम आएंगी ना। द पॉइंट इज हाउ नाइसली कैन यू एक्चुअली वर्क ऑन इट, क्या आप अकेले पढ़ सकते हो? कई लोग होते हैं जो अकेले ही पढ़ते हैं, मेरा एक फ्रेंड है वो कोचिंग में पढ़ ही नहीं सकता, वो खुद ही पढ़ता है सब कुछ, और देयर आर सम पीपल जो खुद पढ़ ही नहीं सकते, वो चाहते हैं एनवायरमेंट मिले, एक टीचर बताए, एक कॉन्फिडेंस आ जाए, कई लोगों को कॉन्फिडेंस में कमी होती है तो कोचिंग जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है, कई लोगों को नहीं होती कमी, वो खुद कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज़ अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बहुत बुरा लगता है इस तरह का कोई आंसर देता है टीचर, लगता है यार हमारे को जो हमारा क्वेश्चन था वो तो आंसर हो ही नहीं पाया, बट इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज देयर इज नो वन आंसर टू इट। रिलायबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज सिंपली, अगर मान लो मैं आपको कोई रिसोर्स बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो सही रिसोर्स है बिकॉज मैंने तैयारी करी है, तो आपके पास टॉपर्स के इतने सारे ब्लॉग हैं, आप उनके रिसोर्सेज देखिए अच्छे से, आपको उनका मटेरियल गलत नहीं होगा, और आपको भी ये चीज़ पता चल जाएगी कि यार किस बंदे की बात रिलायबल है, नहीं आप इतने वाइस हो जाओगे। तो खुद से रिसोर्स मत चुनो कि आपने 10 बुक देखी वहाँ पर नीचे अपने कौन सा एक बुक स्टोर है बड़ा फेमस यहाँ पे नाम, हाँ कुमार बुक स्टोर, आपने देखी 5 बुक और 3-4 ज्ञान उसने दे दिया कि भैया इधर आओ पॉलिटी का ये पढ़ो यार ये ज़्यादा अच्छा है, उसकी नहीं सुननी आपको, ना अपनी सुननी है। आपने देखा पाँच जो टॉपर्स हैं उन्होंने क्या क्या पढ़ा था, आपने अपनी कोचिंग में अगर कोई आपका फैकल्टी है आपको गाइड कर रहा है अच्छे से, आपने वो देखा, आपने वो चीज़ उठा के पढ़ ली। द सोर्स फ्रॉम विच दैट बुक्स कम्स दैट शुड बी रिलायबल, बुक अपने आप रिलायबल हो जाएगी। एक पीछे से आपका यार ये बड़ा देखो इसका कोई इनका क्वेश्चन ये है कि आंसर राइटिंग क्वेश्चन बताया तो सुनाई नहीं दिया होगा, इनका क्वेश्चन ये है कि अगर जनरली 2 या 3 पेज देता है UPSC आंसर लिखने के वो हम भर नहीं पाते हैं,
क्या उससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता एग्जामिनर को? यार इट डिपेंड्स, आई डोंट नो. मैं मेरी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ आपको. मेरा ऐसा था कि मैं पूरा भर के आता था. मैं एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसको देना चाहता था कि आई हैव गुड कंटेंट. ऑब्वियसली डजंट मैटर. मतलब अगर मैं किसी का पेपर चेक करूंगा तो मैं उसका ऑब्वियसली सिर्फ कंटेंट देखूंगा, स्पेस नहीं देखूंगा. बट मेरे को लगता था कि पता नहीं मेरे जो पेपर चेक कर रहे हैं बाय चांस उनके ऐसी कोई साइकी हो कि यार इतना छोटे छोटे आंसर लिख रहा है, इसको कुछ आता नहीं है क्या? इसलिए मैं पूरा भर देता था. ठीक है, तो मैं स्पेस बहुत लिखता था दो लाइन के बीच में, फ्लो चार्ट बड़े बड़े बना देता था. मेरी स्ट्रेटेजी थी कि पूरा भर दूँ. नंबर ऑफ वर्ड भले ही 250 लिखो आप, नंबर ऑफ वर्ड आप 300 लिखोगे तो आप नहीं कर पाओगे कंप्लीट पेपर. वर्ड आपको 250 लिखना है. पॉइंट इज मैं गैप थोड़ा बढ़ा देता था अपने तरीके से. तो काफ़ी हैवी लेक्चर हो गया ये. तो आई विल वाइंड अप द लेक्चर नाउ. एक दो चीज़ें बस आपको गुरु मंत्र गुरु ज्ञान के तौर पे आप लोगों को देना चाह रहा हूँ मैं कि इफ़ यू आर एमिंग फॉर हाई एंड यू स्टिल लूज इट, इट डजेंट मैटर. बट इफ़ यू इट इज़ एक्चुअली गुड. बट इफ़ यू एम लो एंड देन यू हिट द टारगेट, इट्स रियली बैड. सो यू आर एमिंग वेरी हाई, इट्स अ वेरी गुड थिंग यूपीएससी. एंड इवन इफ यू कांट हिट द टारगेट, इट डजेंट मैटर, यू विल एक्चुअली एनरिच एज अ पर्सन. आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आ जाएगा. आप लोग को खुद रियलाइज होगी ये चीज़. आप लोग मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे इफ़ यू एक्चुअली प्रिपेयर. एक्चुअल प्रिपरेशन मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, राइट स्ट्रेटजी, स्मार्ट वर्क. और इफ देर आर सम डिजेक्शंस, डोंट वरी, बहुत स्कोप है हमारी कंट्री में. और नेवर टेक अ बैड स्टेप, बी मोटिवेटेड. अगर कभी मोटिवेशन में कमी आया तो देर आर सो मेनी टॉपर्स. मुझसे बहुत बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन स्पीकर्स आते हैं जो खुद सेलेक्ट होते हैं. मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरीज होती है उनकी. आप लोग देखेंगे आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगी अलग अलग चैनल्स पे. हम लोग खुद इसलिए आते हैं यहाँ पर ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर पाएं. आप लोग कभी डायरेक्शन अगर खोएं तो यू कैन गो बैक, यू कैन सी दिस वीडियो, यू कैन सी मेनी अदर वीडियोस. एंड जो मैंने आपको पेज बताया ह्यूमंस ऑफ लबासना, ये मेरे फ्रेंड्स का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें वो पूरी स्टोरीज बताते हैं कि कैसे कैसे कोई बंदा आगे बढ़ा. तो आप देखेंगे कि लोग आपसे बहुत बहुत नीचे से उन्होंने शुरुआत करी है, ऊपर तक गए हैं. तो यू शुड हैव दैट पावर इन यू और हैव दैट मेंटल स्ट्रेंथ. मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो उन्होंने पूछा था. इफ़ यू कैन मेडिटेट, मेडिटेट. बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी. एंड फॉलो राइट स्ट्रेटजी एंड आई कैन गारंटी यू एग्जाम क्लियर हो या नहीं हो, बट यू विल एंजॉय द प्रोसेस अगर आप सही तरीके से करेंगे. तो थैंक्स अ लॉट.